तो ये सब मिक्सचर है अब बात करते हैं हम सर सी सी प्लस प्लस तो सबको आती है ठीक है बिल्कुल आती है जी ठीक है जी बिल्कुल आती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत कम बच्चों को आती है हमारा जो टारगेट रहेगा वो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर रहेगा दूसरी चीज अब अब सीधी सी बात है अगर मैं आपकी क्लास में बोलूं मैं मैं मान के चलो मैं प्लेसमेंट करने आया हूं आप लोगों की मैं आपकी क्लास में बोलूं कि भैया सी सी प्लस प्लस किसको आती है जिसको बेसिक्स भी आते हैं वो इंटरव्यू में बैठ सकता है तो अगर आपकी क्लास में पचास बच्चे बच्चे हैं तो उसमें से फोर्टीन बच्चे बोल देंगे कि सर हमें सी सी प्लस प्लस आती है हमने सुन रखा है हमें बेसिक क्लियर है ठीक है अब अब खुद सोचो अब आपका यहाँ पे कॉम्पिटिशन कितना हो गया यानी कि आपको 49 स्टूडेंट्स को कम्पीट करना है क्लास के अंदर मेरे पास 49 स्टूडेंट्स हैं और आपके लिए भी कंपटीशन 49 स्टूडेंट्स का है क्योंकि मेरे पास जॉब्स रिक्वायरमेंट दो या तीन ही है ठीक है ये चीज होगी अब मैं अगर रियल टाइम स्नेरियो की बात करूं रियल टाइम इंडस्ट्री की बात करूं ठीक है ना रियल टाइम इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे सी सी प्लस प्लस ठीक है जी बहुत कम यूज होता है बहुत कम यूज होता है हां ये सच है ठीक है सुनने में थोड़ा आप लोगों को अटपटा लग रहा हो लेकिन हाँ रियलिटी सी प्लस प्लस में जो डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत ज्यादा है ठीक है जी वो बहुत ज्यादा है, है ऐसी बात नहीं है कि सी सी प्लस प्लस में डेवलपमेंट नहीं होती अगर आप सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको सी सी प्लस प्लस का सहारा ही लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप प्रोडक्ट लेवल कंपनी की बात कर रहे हो ठीक है जी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो वहां पे सी सी प्लस प्लस में काम बहुत कम होता है क्योंकि वो बाकी जो लैंग्वेजेस में दस लाइनों में काम हो जाता है वो काम सी सी प्लस प्लस में बीस या पच्चीस लाइनों से ज्यादा ही होगा ठीक है जी क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका कोड देखे कि हाँ भी उसको तो काम से मतलब है अब बात करते हैं कि रियल टाइम इंडस्ट्री में होता क्या है रियल टाइम में जो काम चलता है वो जावा पाइथन ठीक है जी अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं वेब डेवलपमेंट की बात करूं या वेब एप्लीकेशन की बात करूं देर आर अदर लैंग्वेजेज एज वेल। पाइथन को यूज करके जावा को यूज करके देर आर नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एज वेल तो अब क्वेश्चन ये है कि सर फिर हम सी सी प्लस प्लस करते क्यों हैं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर फिर तो हम सीधा जावा कर लें सीधी पाइथन कर लें हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल ठीक है जी हो सकता है है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सी सी प्लस प्लस एज ए बेस बेस ठीक है है ना वो base मानी जाती है। जिस बंदे के सी प्लस प्लस में अच्छे हैं सी में अच्छे हैं वो दस दिन में पाइथन सीख सकता है जिस बंदे के कॉन्सेप्टी सी प्लस प्लस के में अच्छे हैं वो दस दिन में जावा सीख सकता है क्योंकि तो कॉन्सेप्ट ऑलवेज सेम हमेशा क्लास का फंडा वही रहेगा चाहे आप जावा पकड़ लो पाइथन पकड़ लो पीएचपी पकड़ लो कोई भी क्लास पकड़ लो क्लास का फंडा वही रहेगा इनहेरिटेंस का फंडा वही रहेगा लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा डिफरेंस आएगा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे ठीक है जी सिंटेक्स पार्ट पे तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लॉजिक वही रहेगा हमेशा हमेशा लॉजिक वही रहेगा और एक बात अपने माइंड में फिट कर लो कि जब भी आप किसी लॉजिक की बात कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो हमेशा याद रखना ये बात हमेशा फिट कर लो अपने माइंड में कि जब भी आप किसी लॉजिक की बात कर रहे हो तो आप बैक एंड पे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो अब 90 परसेंट बंदे बोलते हैं कि सर हमें तो मैथ आता नहीं है जी हम तो कर ही नहीं सकते तो ये वह अपने माइंड से पहले तो निकाल दो कि आपको मैथ नहीं आता अगर आपको ये कोई बात बोले कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता ठीक है जी उसको बोलो कि सर मैंने टेंथ पास कर रखी है मैंने प्लस टू भी पास कर रखी है मैंने इंजीनियरिंग भी पास कर रखी है जिसमें मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा है तो आपको मैथ आता है तो मैं यहाँ पे प्लस टू के मैथ की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे के मैथ की बात कर रहा हूँ और टेंथ आप सबने पढ़ रखी है आप सबको आते हैं वो फंडे बेसिक बेसिक फंडे सबके क्लियर है तो वही चीजें रिक्वायर्ड है मैं बताऊंगा हर प्रोग्राम को मैथमेटिकली भी हम सोल्व करेंगे ठीक है ना सो so देट आपको थोड़ा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उसके पीछे मैथ कैसे हमने सोचना है

यानी कि अगर आपने मान के चलो कि अगर आप इसमें कोई कोड बना रहे हो ना तो इसमें वो बीस लाइनों का को कोड बन रहा है लेकिन वही कोड अगर आप पाइथन में बना रहे हो ना तो दो लाइनों में भी हो सकता है हाँ जी सच है दो लाइनों में भी हो सकता है ठीक है आई कैन शो यू लेटर ऑफ अगर आपको किसी को डाउट होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूं लेटर हो ठीक है जी तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज बहुत हैं आपको सिर्फ उसको यूज करना और आपका काम हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या है यहां पे क्या है यहां पे आपको कोर लेवल पे कोड सोचना पड़ता है जब आपने कोर लेवल पे कोड सोच लिया ना तो आप एक परफेक्ट डेवलपर बन चुके हो। फिर आपको ये दो लाइनों में काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा ठीक है ना अगर आप बीस लाइनों से दो लाइनों में शिफ्ट कर रहे हो ना तो आपको पता है इन दो लाइनों के पीछे पे कोडिंग क्या चल रही है यू कैन अंडरस्टैंड बेटर माइंड ठीक है जी एक तो ये बात होगी अब दूसरी बात यह होगी कि इंडस्ट्री में अगर आप बात कर रहे हो तो खाली जावा और पाइथन से भी काम नहीं चलता अगर आप सिर्फ सोचो ना खाली जावा और पाइथन से काम मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये भु, 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 आपके माइंड के अंदर डाउट है लेखा है ठीक है जिसको हम बोलते हैं डाउट समथिंग लाइक दिस ओके तो आपको बैकेंड भी आना चाहिए आपको बैकएड भी आना चाहिए माइसिक कोल आता है ठीक है जी और एक्कल आता है ठीक है जी अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूं तो हडूप आता है ठीक है जी क्लाउड आता है तो बैक एंड पे ये सब चीजें आती हैं इसके बिना भी प्रोजेक्ट नहीं बन सकता आज के दौर में ठीक है आज के दौर में अगर मैं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की बात करूं तो क्लाउड और हडूप के बिना दैट इज इम्पॉसिबल वो पॉसिबल नहीं है जी ठीक है ना अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी की बात करो तो वो क्लाउड पे काम कर ही रही है 2025 तक आप देखना हर एक चीज क्लाउड पे मूव हो जाएगी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनी एवरी कंपनी विल मूव ऑन दी क्लाउड अब आपको ये भी आना चाहिए MySQL भी आना चाहिए भाई अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना तो ये मीन कि वो सी सी प्लस, प्लस, प्लस पूछेगा। वो नहीं बन सकता आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो बिना डेटा बेस के डेट इज इंपॉसिबल आप बने नहीं, नहीं सकते अगर मैं फ्रेशर लेवल इंजीनियर की बात कर रहा हूं तो मुझे सी C++ प्लस और एक माइसिकल तो आना ही चाहिए यस 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 ये आपको आना चाहिए भाई इसके बिना आप नहीं अगर आप सोच रहे हो कि इसके बिना मैं एक डेवलपर बन जाऊंगा तो वो आपका फिर अपने आप को वो चीटिंग कर रहे हो आप नो आपको ये चीज आनी चाहिए ये आपका बेस है हाँ उसके बाद अगर मैं एडवांस की बात करूं अगर उसके बाद आपको जावा आती है ठीक है यहां पाइथन आता है मैटर की जावा भी कर लो पाइथन भी कर लो अगर उसके बाद आपको जावा आती है पाइथन आता है ना तो आपके शोल्डर पे एक स्टार है। अब मैं इंटरव्यू में बैठा हूं। अब सीधा आप खुद देखो मैं क्लास में उसके अंदर एक और ट्विस्ट डाल दिया मैंने ये बोला अच्छा जिसको सी सी प्लस प्लस जावा या पाइथन आती है सिर्फ वही हाथ खड़े करें अब कॉम्पिटिशन और कम हो गया अब कंपटीशन रह गया जी थर्टी फाइव क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे ना जिनको थी थी, ना जिनको जिनको जावा आती आती थी थी पाइथन तो कंपटीशन अच्छा, कि कितना रह गया हार्डली दो या तीन बच्चे यानी कि ये देखो फोर्टी नाइन थर्टी फाइव टू या थ्री स्टूडेंट्स आपका कंपटीशन बिल्कुल डाउन हो गया तो ये ट्रिक्स हैं जी ये अपने रिज्यूमे को सजाने की ट्रिक्स है मैं हूं, तो मैं सौ बंदों का इंटरव्यू कर रहा हूं तो मेरे पास हर बंदा यही बोल रहा है कॉमन यही चीजें हैं और उसमें से प्रोजेक्ट बोल रहा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम फलाना मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैं पक जाऊंगा मैं इरिटेट हो जाऊंगा मैं इरिटेट हो जाऊंगा एक टाइम पे आके ठीक है अब अचानक से मेरे पास एक बच्चा आता है कहता है सर सी सी प्लस प्लस सर जी जावा भी मैंने की है और उसके बाद मैंने हड़ूब कर रखा है और मुझे क्लाउड कंप्यूटर की नॉलेज है तो मैं इंटरेस्टेड हो गया इस बच्चे में यस ये वो बच्चा है अगर ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा तो ये इंडस्ट्री में इसको आने के चांसेस सबसे ज्यादा है अब डजेंट मैटर कि आपने अपने रिज्यूमे में ये चीज लिख दी लेकिन आपको नॉलेज नहीं है आपको एट लीस्ट ट्वेंटी परसेंट इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए सी सी प्लस प्लस की आपको नॉलेज होनी 50 60 होनी चाहिए 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 टू बस इतनी इतनी यू विल बी सिलेक्टेड क्योंकि आप फ्रेशर लेवल पे हो एक्सपर्ट लेवल पे नहीं हो अगर आपको इतनी भी नॉलेज है आप इतने भी कॉन्फिडेंस हो और आप एक आधा कोड बना करके उनको दिखा सकते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे कोड बनाने का मतलब यह नहीं है कि कई बार होता है हर कंपनी पे डिपेंड करता है कई टफ कोड देते हैं कई सिंपल कोड देते हैं

देखो मैं कवर करूंगा आपका C++ और कुछ चीजें मैं कवर कर दूंगा C में ठीक है जैसे कुछ पॉइंटर की मेन मेन टॉपिक्स होते हैं पॉइंटर के जो C से ज्यादा अच्छे कवर होते हैं ठीक है जी तो मैं C C++ और C को कवर करूंगा 15 से 20 दिन हम बेसिक वाला पार्ट करेंगे क्योंकि मैं सबको ये मान के चल रहा हूं कि एवरीवन इज फ्रेशर ओवर हियर मैं यह मान के चल रहा हूं कि जो बंदा आया है सब मेरे पास न्यूट्रल बंदे आए हैं कोई मेरे पास बड़ा नहीं आया कोई मेरे पास छोटा नहीं आया मेरी नजर में सब एक बराबर है ठीक है जी पंद्रह बीस दिन हम काम करेंगे बेसिक्स के ऊपर बेसिक्स के ऊपर मतलब मीन बेसिक के ऊपर मैं आपको थे पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपको पंद्रह बीस दिन में कम से कम पच्चीस से तीस वो प्रोग्राम करा दूंगा जो बेसिक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ठीक है मोर देन थर्टी थर्टी फिफ्टी लगा के चलो आप कम से कम मैं पचास प्रोग्राम आपको वो करवाऊंगा जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ठीक है जी आप खुद बनाओगे असाइनमेंट दूंगा आप करोगे ठीक है जी क्लास के अंदर ही मैं आपको पांच मिनट दूंगा हर बंदे को अपना लॉजिक सोचने का और उससे पूछूंगा कि हाँ कैसा आपने सोचा और क्या आपकी अप्रोच थी तो पंद्रह के ऊपर ठीक है जी इसमें टफ कोड भी आएंगे ठीक है जी इसमें सिंपल कोड भी आएंगे और इसमें मॉडरेट लेवल कोड भी आएंगे फिर मैं कुछ हिस्सा आपका कवर करूंगा डेटा स्ट्रक्चर का क्योंकि मैं पूरा नहीं कवर करूंगा अगर मैं पूरा कवर करने चला गया तो फिर हमारी डायरेक्शन उसी तरफ हो जाएगी ठीक है जी तो मैं इसमें आपका जो कवर करूंगा एरे और लिंक लिस्ट वाला पार्ट करूंगा कवर एक आधा क्वेश्चन ऐसा कवर करूंगा जो इंटरव्यू में हार्डली पूछा जाता है या जा तो वो के 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 साथ सर्ट्री के साथ साथ होगा या किसी और टेक्निक ठीक है तो ये चीजें मैं हंड्रेड नहीं कवर करूंगा लेकिन हाँ डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इट से वेरी वास्ट टॉपिक ठीक है जी तो इसको हम कवर करेंगे 10 टू 20 परसेंट जो मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है ठीक है इससे पहले हम कुछ चीजें कवर करेंगे आपकी ऊप्स कॉन्सेप्ट यस उप कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी और जो मैं काम करवाऊंगा आपको सी प्लस पे काम करवाऊंगा ठीक है जी सी प्लस प्लस मैं टर्बो पे काम नहीं करवाऊंगा मैं टर्बो से बड़ा इरिटेटेड हूं मुझे नफरत है वो ब्लू स्क्रीन के ऊपर ठीक है जी मैं आपको जो काम करवाऊंगा सी प्लस पे काम करवाऊंगा दट इज इक्विलेंट टू जावा अगर आपने सी प्लस कर लिया तो ये लगा के चलो आपको जावा करने की जरूरत नहीं है आपको जावा को देखने की भी जरूरत नहीं है ठीक है जी फिर उसके बाद में आपको C++ 11 के और जो C++ के एडवांस कंसेप्ट जैसे आपका हो गया ETL टूल्स ठीक है जी आपका हो गया आर्किटेक्चर शायद आप लोगों ने सुन भी ना रखा हो ठीक है जी फोर ईच लूप ठीक है जी और आपका वो वेक्टर लिंक लिंक लिस्ट क्यू डी क्यू ठीक है ये सब चीजें हम कव, कवर करेंगे ठीक है ये सब चीजें हम इन डेप्थ कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लस फीचर है आपके सी प्लस प्लस के पुराने में भी था और नए में भी है कुछ नए में फीचर है वो हम कवर करेंगे मैक्स टू मैक्स ठीक है जी फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होता या तो आपके पास वो कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट होता है ठीक है या आपने, आपने अपने फ्रेंड का उठाया होता है तो आप उसको लिख देते हो और आपका काम हो जाता है ठीक है तो इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चनिंग बहुत होती है जी जी याद रखना ठीक है इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चनिंग होगी ही होगी अगर आपने कर दिया। क्योंकि वो आप पूछेगा ठीक है कंप्लीट फर्स्ट आई विल टेक योर क्वेश्चन अब क्वेश्चन प्रोजेक्ट कौन कौन से बनाएंगे ठीक है जी जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एक तो हम फाइल हैंडलिंग का बनाएंगे ठीक है जी फाइल हैंडलिंग का बनाएंगे और एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे माइ सिक्वल प्लस सी प्लस प्लस हाँ यस माइसिक्लस प्लस के साथ हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अगर आपने इतना कुछ कर लिया ठीक है अगर आपने ये चीज बोल दी ना क्योंकि आपकी मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं किसी के पास ये प्रोजेक्ट नहीं होगा आपकी पूरी क्लास में माइसिक और सी प्लस प्लस कनेक्टिविटी C++ से MySQL से हम डाटा फेच करेंगे उसके हम, अंदर हम डाटा रीड करेंगे ठीक है जी तो ये जो प्रोजेक्ट है ये जावा के इक्विलेंट हो गया आपका ठीक है आपको जावा करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये चीज बोल दी ना तो इंटरव्यू को पता लग जाएगा ठीक है जी? तो ये तो हम करेंगे सारा कवर अपने एक डेढ़ महीने के अंदर ठीक है जितना भी अपने पास आई सपोज अपने तो ये हम कोशिश करेंगे कि हम ये चीजें कवर कर दें एक से डेढ़ महीने में ठीक है वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल ठीक है इसमें आपके प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कवर करूंगा क्योंकि तो मेरे पास आते रहते हैं स्टूडेंट की तरफ से ठीक है इंटरव्यू के क्वेश्चन वो भी मैं कवर करता रहूंगा जो सीजीसी में आपको पता ही है मैं सीजीसी में भी जॉब कर रहा हूँ तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास आते हैं तो वो भी मैं कवर कर दूंगा ठीक है सारे तो नहीं हो सकते ठीक है लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन मैं वो कवर कर दूंगा क्योंकि तो कल परसों ही मेरे पास तीन चार क्वेश्चन आए थे बच्चों के ऑनलाइन कंपनीज में टेस्ट चलते हैं तो वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं ठीक है ओके तो ये तो हो गया अपना जो बेसिक चीजें होगी ठीक है और मैं गारंटी देता हूं अगर आप मेरी क्लास लगा लोगे ठीक है मैं बहुत वो नहीं बात कर रहा कि हाँ मैं बहुत वो हूँ हाँ लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर आप मेरी क्लासेस सीरियसली लगा लोगे चाहे जो बंदा अपने आप को जीरो पे स्केल कर रहा है ना कि सी प्लस प्लस में वो जीरो पे है तो वो अपने आप को बीस पे स्केल करना चालू कर देगा और जो बंदा अपने आप को बीस पे स्केल कर रहा है ना तो वो बंदा अपने आप को पचास पे स्केल कर देगा लेकिन जो बंदा पचास पे है वो अपने आप को सत्तर पे स्केल कर देगा ठीक है जी सत्तर से अस्सी के बीच में अपने आप को स्केल कर देगा गारंटी ये है मेरी मेरी तरफ से ये गारंटी है लेकिन इट मीन डेट कि मैं एक तरफ से बोलता जाऊं बोलता जाऊं बोलता जाऊं उधर से कुछ भी ना हो और मैं सबको ऐसे ही ट्रीट करके चल रहा हूं कि किसी को कुछ नहीं आता ठीक है हाँ कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जिनको आता है लेकिन मैं सबको ट्रीट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता तो मुझे आपको सबको एक बराबर लेके आना है सबको रेस में भगाना है ठीक है अब जीतना रेस को जीतना वो आपका पार्ट है ठीक है जी मैं सबको इक्वल हैंड खड़ा कर दूंगा कि भैया भागो लेकिन भागेगा वही जीते सॉरी जीत, भागेंगे तो सब लेकिन जीतेगा वो जिसने प्रैक्टिस की होगी ठीक है प्रैक्टिस पार्ट आपका है तो ये आपके पास लास्ट चांस है क्योंकि आपका फाइनल सेमेस्टर है तो इसके बाद ना तो आपका कॉलेज पूछेगा कोई भी ठीक है ये सच है ठीक है सुनने में चाहे कड़वा लगता हो लेकिन ये सच है कि जब आप किसी भी कॉलेज से पास आउट हो जाते हो ठीक है उसके बाद कॉलेज और आपका कंसर्न क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होता ठीक है ना आपके पास भी टाइम नहीं होता कॉलेज के पास भी टाइम नहीं क्योंकि उसके पास अगले बच्चे होते हैं तो ये आपके पास लास्ट चांस है ठीक है आपको कॉलेज का थैंक यू करना चाहिए कि वो स्पेशल बंदों को हायर कर रहे हैं कि आप लोगों को ये चीजें सिखाएं ठीक है जी चलो ये तो हो गया जो हम कवर करेंगे अपना एक डेढ़ महीने के अंदर ये तो आप तैयार हो गए जी? जी पांच लाख के पैकेज तक के लिए ठीक है जी पांच लाख के पैकेज के लिए तैयार हुए अभी आप लेकिन आपका जो टारगेट है वो दस लाख का है ठीक है किसी का बीस का है किसी का पच्चीस का है मिल जाते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन ये पैकेज लेना थोड़ा सा टफ है एज ए पीटी स्टूडेंट ठीक है मिल जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है नहीं करना लेकिन दस तक तो आप इजिली क्रैक कर सकते हो अच्छा अब आपको सी आ गया सी प्लस प्लस आ गया अच्छे से और माइसिक्वल आ गया ठीक है माइसिकवल भी मैं कुछ कवर करूंगा इसमें एडवांस चीजें कुछ कवर कर दूंगा आपकी ठीक है जो आपने शायद कभी सुनी ना हो तो वो चीजें मैं सब कवर कर दूंगा ठीक है

ठीक ठीक है, 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 अगर आप बड़ी कंपनीज कंपनीज बात कर रहे हो, जिनके पास तो तो उन में हडूप तो यूज होगा, ही होगा और साथ में क्लाउड आजकल जो हड़ूप चल रहा है वो सारा क्लाउड पे चल रहा है ठीक है अब बात करते हैं इन चीजों की देखो तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है ठीक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसको कवर करने में ही अगर आपको प्रोग्रामिंग uh, लैंग्वेज uh, की नॉलेज है तो इस चीज को कवर करने में ही कम से कम चालीस से पचास दिन लग जाते हैं ठीक है चालीस से पचास हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही आप इतना सीख पाओगे तो कोई ओवरबर्डन हो जाओगे हो जाओगे आप लोग ठीक है अब मैं बात करता हूं कि इसमें हम क्या कवर करेंगे इतना कवर कर देंगे कि देखो अब कुछ बच्चों ने तो बेसिक लेवल पे प्रोजेक्ट बना दिए जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए हैं ठीक है सी प्लस प्लस के साथ फाइल हैंडलिंग के साथ ठीक है माइस इक्वल के साथ ठीक है कुछ बच्चों ने तो ये प्रोजेक्ट बना दिए अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हाँ हमें थोड़े से एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट चाहिए ठीक है जी अब एडवांस लेवल के अगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें फिर कुछ ना कुछ एडवांस चीज लेके आनी पड़ेगी तो हम क्या लेके आएंगे हम हड़ूप लेके आएंगे ठीक है जी दस दिन में आपके लगाऊंगा इसके ऊपर और इसमें मैं आपको एक या दो प्रोजेक्ट आपके इसमें कवर कर दूंगा ठीक है जी एक या दो प्रोजेक्ट इसमें आपके कवर कर दूंगा लेकिन हाँ उसमें कोड थोड़ा ज्यादा रहता है अगर तो आपको जावा या पाइथन आती है तो आप इजीली कोड कर पाओगे लेकिन अगर आपको सी प्लस प्लस के फंडे भी अच्छे से आते हैं तब भी आप कोड लिख दोगे ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है फिर आपको जावा समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो हम इसके अंदर एक या दो यूज केसेस बनाएंगे ठीक है प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका हड़ूप जो एडवांस जो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो ठीक है अब अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने कसम खा रखी है कि सर हमें तो हमें तो करना ही नहीं है सर प्रोग्रामिंग हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी लेकिन हमें पैकेज अच्छा चाहिए ठीक है जी तो डोंट वरी अबाउट इट आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे अब क्लाउड की बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग शायद आप सबने सुन रखा हो ठीक है जी क्लाउड कंप्यूटिंग शायद आप सबने सुन रखा हो तो इसके अंदर दो प्रोफाइलें निकल के आती हैं

ठीक है जी AWS में मुझे नहीं आता ना मुझे Google Cloud आता है मुझे Microsoft Azure आता है ठीक है काफी डिमांडिंग है क्लाउड कंप्यूटिंग में तो मैं आपको इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स ठीक है जी क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स उसके बाद मैं आपको कवर करवाऊंगा Azure क्या होता है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे आप क्लाउड के अब सारा तो नहीं हो सकता ठीक है सारा तो मुझे भी नहीं आता टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है लेकिन हां आपको मैं दो या तीन या चार ऐसे प्रैक्टिकल दिखा दूंगा जो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो ठीक है ना जो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग के तो चॉइस अब आपकी रहेगी कि सी सी प्लस प्लस देखो ये तो बेस है भाई ये चीजें तो आपका बेस है याद रखना ये चीजें तभी काम आएगी जब आप बेस वाला हर्डल क्लियर कर दोगे बेस वाली हर्डल क्लियर कर दोगे ठीक है सी सी प्लस प्लस पाइथन या जावा ये आपका बेस में कंसिडर होती है ये चीजें ये आपका बेस है क्योंकि तो अगर, अगर मैं हड़ूप की बात करूं अब अच्छा एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं अगर मैं हड़ूप की बात करूं तो ये एक एक फ्रेमवर्क है ठीक है जी इसके इस, इसके अंदर मान के चलो ये दस बारह मशीनें लगी हुई है तो यहाँ पे आपका डेटा पड़ा है अब इस डेटा को आपने प्रोसेस करना है ठीक है जी अब इस डेटा को आपने प्रोसेस करना है अब इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए लिखना तो कोड ही पड़ेगा ना आपको लिखना तो कोड ही पड़ेगा अब जब कोड की बात हो रही है तो यहां से कोई ना कोई लैंग्वेज उठ के आ रही है C++ में भी कोड कर सकते हो जावा में भी कोड कर सकते हो पाइथन में भी कोड कर सकते हो स्केला में भी कर सकते हो रूबी में भी कर सकते हो ग्रूबी में भी कर सकते हो ठीक है अगेन आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है ठीक है ना अब इसमें भी दो प्रोफाइलें निकल के आती हैं भाई ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है इट्स ए वेरी लार्ज टॉपिक ठीक है ना अब इसमें भी दो प्रोफाइलें निकल के आती हैं या तो आप हड़ूप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ या आप हड़ूप डेवेलपर बन जाओ ठीक है एक बार सर्च करना एडवांस चीजों के ऊपर नेट के ऊपर एक बार प्लीज सर्च करना हड़ूप क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि इसके बिना, इसके बिना बिना गुजारा नहीं है जी इंडस्ट्रीज का आप 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 शायद सुनते हो के नहीं सुनते हो लेकिन कोशिश करा करो कि ब्लॉग्स पढ़ा करो या जो हाई प्रोफाइल पे बंदे बैठे हैं इंडस्ट्रीज में उनको लेक्चर जरूर सुना करो ठीक है जी वो यही बोलते हैं कि आफ्टर 2025 कि ये तो खत्म बाकी चीजें सब नीचे आ जाएंगी खत्म नहीं होंगी नीचे आ जाएंगी क्लाउड कंप्यूटिंग तो काम होगा क्योंकि तो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं कितनी मशीनें लगा के आप स्टोर कर लोगे भाई कितना बड़ा पड़ेगा यू हैव टू स्विच ठीक है जी तो ये हो गया पूरा स्नेरियो जो हम दो ढाई महीने में कवर करने वाले हैं ठीक है डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम माई साइड कि मैं इसको, के आप इसको कर, दे, कर, कर सकते हो क्योंकि वेरी वास्ट 100 हो ये मुझे भी नहीं आता ठीक है अगर मैं अपने आपको यहाँ पे ग्रेड करूं तो यहाँ पे मैं अपने आपको थर्टी टू फोर्टी ही स्केल कर, कर रहा हूँ जी ठीक है जी क्योंकि इट्स वेरी वास्ट टॉपिक बहुत कुछ है जी इसमें बहुत कुछ है ठीक है

ठीक ठीक है 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 जी ये ये बेनिफिट है, इनका बेनिफिट बेनिफिट है, है, बाकी आप किसी भी कंपनी से कर लो एक्स वाई जेड कंपनी से कर लो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट का बेनिफिट है ठीक है, आ, 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 का बेनिफिट है तो गूगल का सी प्लस प्लस की सर्टिफिकेशन आती है सी प्लस प्लस यूनिवर्सिटी समथिंग लाइक दिस मुझे याद नहीं है आप एक बार नेट पे चेक कर लेना उसका है, क्योंकि ये पेड पेपर होते हैं इनकी पेपर की फीस थी डॉलर में होती है अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो इसकी अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फोर टू फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज के चार्जेज हैं इसके एग्जाम के ठीक है अगर मैं सी प्लस प्लस के बात करूँ उसके हैं टू फोर्टी फाइव डॉलर तो ये अठारह उन्नीस हजार के पास पेपर जाता है तो मतलब तैयारी करो इन चीजों की ठीक है लोकल कंपनीज की बात मत करो ठीक है जैसे मेरी भी कंपनी है यूएस डेटा टेक्नोलॉजीज ठीक है मैं खुद बोलता हूँ इसकी सर्टिफिकेशन कर लोगे कोई बेनिफिट नहीं है ठीक है ऐसे ऐसे ही कंपनीज कम से कम पच्चीस छब्बीस सौ कंपनीज हैं चंडीगढ़ और आपके नियर बाई रीजन में ठीक है आप उनकी सर्टिफिकेशन कर लोगे नो टू तो आस्क यू कि ये भैया क्या है नथिंग आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है हाँ। आपके पास गूगल की सर्टिफिकेशन है वेरी गुड ठीक है आपके पास किसी और कंपनी बड़े ब्रांड की फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस यूनिवर्सिटी है ठीक है उसकी सर्टिफिकेशन है वेल एंड गुड ठीक है तो ये चीजों के ऊपर फोकस करो और इन चीजों को क्रैक करना आसान काम नहीं है पीटीयू का पेपर नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आपने कितनी प्रैक्टिस की और उनको कैसे हैंडल किया ठीक है जी चलो अब मैं एक बार पूरा नेटशेल में आपको बोल देता हूं कि हम क्या क्या कवर करेंगे सी सी प्लस प्लस एंड माई सीक्वल ठीक है इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट डेटा स्ट्रक्चर का उसके बाद हम कवर करेंगे हडूब को ठीक है जी टेन टू ट्वेंटी ठीक है जी अब उसके बाद हम कवर करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग अगेन टेन टू ट्वेंटी ठीक है तो ये सारा कुछ हम मैं आपको ए टू जेड जो मैंने आपको बोला है तो मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा लेकिन हाँ यहाँ पे यहाँ पे सेवेंटी परसेंट प्रैक्टिकल रहेगा और थर्टी परसेंटिकल रहेगा क्योंकि ये आपने चीजें कभी सुनी नहीं है ठीक है ना आपको पता ही नहीं है हड़ूप क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तो मैं सीधा कोड लिखना चालू कर दूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा तो इसमें थर्टी परसेंट क्रेटिकल क्योंकि इंटरव्यू में आपको बोलोगे अगर आपने मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये चीज बोल दी ना इंटरव्यू में हड़ूप और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों में से कोई भी एक चीज बोल दी तो ये लगा के चलो कि आपके प्लेसमेंट होने के chances, अगर 50 हैं ठीक तो है नो इट इज नॉट लाइक डेट ठीक है तो ये हम कवर करेंगे लेकिन सी सी प्लस प्लस हम पहले तो बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को टफ करता जाऊंगा ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा प्लेस जिनको आता है वो भी थोड़ा पेशेंसली मुझे सुन ले ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो बेस फंडे है ना बेस फंडे वो क्लियर कर दें अपने को ठीक है अपना जो मेन टारगेट है आपको इस लेवल पे लेके आना है कि आप प्रॉब्लम को पढ़ के एटलीस्ट उसको सोचना चालू करो क्योंकि हम प्रॉब्लम पढ़ के ही ना पीछे हट जाते हैं हम बोल देते हैं कि नहीं यार हमारे बस का ही नहीं है हम यहीं पे हथियार डाल के अपना साइड हो जाते हैं लेकिन नहीं प्रॉब्लम अपने साथ कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर लेके आ रही है और वो सोल्यूशन आपको ढूंढना है और उसके बारे में सोचना है और वो सोल्यूशन क्या है आपका मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है 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 ठीक ठीक जी जी वो क्या आपका ओके okay. अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी ठीक है जी आप मुझे एक बार पूछ लो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिफोर प्रोसीड फर्दर अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं तो आप प्लीज मुझे पूछ लीजिए हाँ जी एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन वो यहां पर चले गए यही नहीं है सर नो क्वेश्चन सर सर ओके गुड यही है, सर। no question, okay, है सर। अच्छा अच्छा अ, 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 एक बात बताओ मुझे कितने बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमें C प्लस प्लस नहीं आती बी ऑनेस्ट कोई बात नहीं यार कोई दिक्कत नहीं जो कहते हैं कि हमें सुन रखी है लेकिन कोड नहीं लिखना आता प्लीज अनम्यूट करके बोलो हरप्रीत सिंह गुड प्लीज अनम्यूट करके बोल दो कोई दिक्कत नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे सब एक जैसे हैं। ओके योगेश मंसल ठीक है जी ओके एनीवन एनीवन प्लीज ओके वीरू ओके गुड ओके चलो मतलब मैं लगा के चलूं कि अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें से 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट यस कोई बात नहीं कोई डोंट वरी अब मैं समझ गया समझ गया ओके 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 डोंट वरी डोंट वरी तो ठीक है भाई आ, लेकिन आ, मैं कोई मेरे पास कोई चमन चमनप्राश नहीं है ठीक है मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको दे दिया और आपको कोड आ जाएगा देखो सीधी सी बात है मैं तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है जब लेकिन जब आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो मैं सिखा दूंगा यह मैं गारंटी देता हूं क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बंदों को भी करवा चुका हूं तो आप लोग तो फिर टेक्निकल पर्सन हो ठीक है मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दू तो मेरे पास एक लड़की आई थी बायोटेक से ठीक है जी उसने जिंदगी में कभी सी सी प्लस प्लस नहीं कर रखी थी उसका हस्बैंड था कनाडा में तो उसने ये बोला कि तू हडूप सीख करके आ और हडूप इज वन ऑफ द दफेस्ट यू नो द फ्रेमवर्क उसमें अगर एक छोटा सा भी काम करना है तो आपको जावा के अंदर सो डेढ़ सौ लाइनों का कोड लिखना पड़ता है ठीक है और उस लड़की ने इतनी मेहनत की तीन महीने के अंदर उसने पहले जावा सीखी ठीक है जी फिर उसने मेरे से हड़ूप सीखा तो आज वो कैनेडा के अंदर ठीक है जी काम कर रही है कंपनी में और उसका जो पैकेज है वो सत्तर लाख का है ठीक है जब वो लगी थी उसके बाद तो मेरी बात नहीं हुई तो दो तीन साल हो गए उसको तो उसका सेवनटी लाख रुपीज का पैकेज था कनाडा के अंदर ठीक है तो अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो डेफिनेटली आप सीख लोगे ठीक है कोशिश करना कि क्लासेस मिस नहीं करना क्योंकि कर कुछ क्लासेस बोरिंग भी होंगी और भी ऐसे होंगी हर क्लास होती है जी सारी क्लास तो ये नहीं है कि हंड्रेड परसेंट इंटरेस्टेड होगी ठीक है कुछ ना कुछ क्लास ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि कई बंदों को वो चीज आती होती है कई बंदों को वो चीज समझ नहीं आती और वो थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर देते हैं तो मेरा फोकस है कि आप लोग एट लिस्ट कोड को पढ़ना तो चालू कर दो ठीक है ना क्योंकि 90 क्योंकि मैं नगेड़ी में काम करता हूँ तो इट ड मीन कि वहां पे सब एक्सपर्ट बैठे हैं ठीक है वहां पे मेरे पास एक सौ साठ सत्तर बच्चे हैं ठीक है जी एक सौ साठ सत्तर बच्चे हैं हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ साठ सत्तर बच्चों में डजेंट मीन दैट कि हर बंदा एक्सपर्ट होता है ठीक है हा नो no डाउट अगर वहां पे 160 बच्चा है तो उसमें से 90 या 100 बच्चा प्लेस होता है बहुत अच्छी कंपनीज में लेकिन बाकी का जो बच्चा है वो क्यों नहीं होता क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता ठीक है तो डोंट वरी तो मैं अभी बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्ट वाले कोर्स से ठीक है थ्रेटिकल चीजें मैं नहीं करवाऊंगा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था थ्रेटिकल चीजें मैं नहीं करवाने वाला तो मैंने आपको वो चीज पहले बोल दी कि वो आपका काम है आप पढ़ो नेट से मैं सीधा आपको आ रहा हूँ कोडिंग पार्ट के ऊपर ठीक है सीधा कोडिंग मैं पहले सबसे पहले बेस ही उठा रहा हूं सबसे पहला बेस ठीक है तो सबसे पहला बेस क्या है आपकी इफ कंडीशन ठीक है बाकी चीजें आपको आती हैं ठीक है थीके? वो आयो स्टीम लगाना आपको आता है वाइड मेन लगाना आता है ठीक है जी उसके बाद कर्ली ब्रेस और कर्ली ब्रेस ऑन यही कोड होता है बस इतना ही करते हो ना तो इसके बाद वाला जो पार्ट है वो नाइनटी परसेंट बंदे यहीं पे हिम्मत हार जाते हैं ठीक है थीके? तो ये सबको पता है ऊपर हाइड्रोफाइल लगानी है क्यों लगानी है कैसे लगानी है वो मैं एक दिन आपको पूरा उसके ऊपर सेशन दे दूंगा शायद आपने पढ़ भी रखा हो एक कॉन्सेप्ट है आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर एस के अंदर ठीक है ना एसपी के अंदर शायद आपका आपने ये पढ़ रखा हो सारा कुछ अगर नहीं पढ़ा तो गिव मी टू सेकेंड्स तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा उसके बारे में लेके नहीं जा रहा सिर्फ आपको दिखा दिखा रहा हूँ ठीक है तो जस्ट गिव मी टू सेकेंड तो ये मेरे सी प्लस प्लस के सी के नोट्स हैं ऐसे ही मेरे सी सी प्लस प्लस के भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ये ये प्योर सी के नोट्स हैं ठीक है अगर आपने ये कॉपी सी की पढ़ ली तो ये लगा के चलो कि आपको कोई भी गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसमें भी हम कुछ चीजें कवर करेंगे ठीक है तो ये आपने शायद पढ़ रखा हो कि आपका कोड कैसे चलता है ठीक है एक बार मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं ठीक है ये आपका कोड है जो आपने लिखा है चाहे वो सी की बात कर लो चाहे आप सी प्लस प्लस की बात कर लो ठीक है जी ये आपकी सोर्स फाइल है हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ठीक है ना इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज की आप क्योंकि देखो कोड को अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहा हूं ठीक है ना तो मैं उसको इतनी कन्वीनियंट बनाऊंगा कि आपकी वो जनरल लैंग्वेज के साथ मिलती जुलती हो ठीक है जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में बातें करते हैं तो ये भी एक तरह से इंग्लिश वाली ही लैंग्वेज है अगर मैं पाइथन की बात करूं वो उससे भी ज्यादा आसान है वो सिंपल ऐसे ही लगता है कि जैसे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं ठीक है तो आपका ये सोर्स कोड है अब ये सोर्स कोड लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लेकिन मशीन क्या समझती है मशीन तो लो लेवल समझती है ना जीरो 0101, 0101, ना? समझती है अब मशीन ये समझती है लेकिन लिखा आपने ये है। तो कहता अब इस लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको कुछ इंटरमीडिएट स्टेप यूज करने पड़ेंगे तब जा करके आपका कोड इसमें कन्वर्ट होगा अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर हम हम इतना क्यों लिख रहे हैं? हम सीधा इसमें कर लें? देखो इसको याद रखना 0 -1 -0 -1 याद रखना रखना बहुत बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। है, के कॉम्बिनेशन को क्योंकि बाइनरी हमेशा पता ही है ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या है? कि करंट डाउन करंट अप करंट डाउन करंट प्रोसेस क्या है कहता है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले प्री आपने, लिखी है, ठीक है ना? जो आपने लिखी है वो सारे का सारा कोड आपके कोड के अंदर आ जाता है वो सारे का सारा कोड आपके कोड के अंदर आ जाता है जो आपने पहले लिखा हुआ है ठीक है ना जैसे आपने लिखा आयोस्टीम डॉट एच ठीक है जी? ठीक है वट एवर जो मैथ डॉट एच प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जितना भी उसका कोड है वो आपके कोड के अंदर आ चुका है ठीक है अब उसके बाद जो मेन कंपाइलर का जिसको हम हार्ट बोलते हैं हार्ट क्या है आपका कंपाइलर ठीक है जी ये पूरे पूरे प्रोसेस का अगर मैं मेन पार्ट देखूं तो मेन पार्ट आपका कंपाइलर है तो फिर प्री प्रोसेसिंग के बाद आपका कोड किसके अंदर गया आपका कोड गया कंपाइलर के अंदर ठीक है जी अब कंपाइलर के अंदर भी सेवन स्टेप्स होते हैं कहता आफ्टर परफॉर्मिंग दैट सेवन स्टेप्स आपका जो कोड कन्वर्ट हुआ वो असेंबली कोड में कन्वर्ट हुआ ठीक है असेंबली कोड आपने शायद देख रखा हो अपना डिजिटल uh, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में मूव इंस्ट्रक्शन ऐड इंस्ट्रक्शन है ना समथिंग लाइक दिस इंस्ट्रक्शन इसमें वो कन्वर्ट हुआ इसमें कन्वर्ट होने के बाद आपका कोड किसमें कन्वर्ट होता है असेंबली में असेंबली में कन्वर्ट होने के बाद आपका कोड किस में कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोड कोड में वो लिंकर के थ्रू और जितनी भी लाइब्रेरीज आप यूज कर रहे हो अगर कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो उसके साथ कंबाइन होकर फिर वो किसमें कन्वर्ट होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर तो अगर मैं कंपाइलर की बात कर रहा हूं ठीक है जी क्योंकि आप नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि हमने कंपाइल कर दिया और उसके बाद हम रन करते हैं अगर मैं कंपाइलर की बात कर रहा हूं तो बैक पे मैं ये सारे के सारे प्रोसेसिस को क्या कर रहा हूं इंप्लीमेंट कर रहा हूं ठीक है ए टेक्निकल पर्सन आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने क्या किया यारो टेक्निकल बंदा तो चलो सिंपल बोल सकता है कि सर हमने कंपाइल किया लेकिन अगर आप कंपाइल की बात कर रहे हो बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम दिस सी एस सी बैकग्राउंड तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि भैया इसमें क्या क्या होता है ठीक है जी क्योंकि इंटरव्यूअर कैन आस्क एनीथिंग वो कुछ भी पूछ सकता है तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया वो वही पूछेगा जो आपको आता है वो आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकता है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए ठीक है ये तो हो गया आपके बेसिक्स ठीक अब उसके बाद अगर मैं कंपाइलर की बात करूं तो ये शायद आप सबने पढ़ रखा हो कि कंपाइलर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपका जो कंपाइलर के अंदर जो स्टेप्स रहते हैं कंपाइलर के अंदर जो स्टेप्स रहते हैं वो ये सेवन स्टेप्स होते हैं शायद आप सबने देख रखे हो अपने एस पी के अंदर आप सबने ये पढ़ रखा होगा ठीक है लेक्सिकल एनालिसिस सिंटेक्स एनालिसिस सिमेंटिक एनालिसिस इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कोड ऑप्टिमाइजेशन टारगेट कोड जनरेशन तो ये सब आपने पढ़ रखा है मैं इसके ऊपर नहीं जाने वाला ठीक है ये आपका एसपी का कोड है आई 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 सपोज द चैप्टर नंबर फोर्थ और फिफ्थ अब मुझे एग्जैक्ट exactly याद नहीं है ठीक है लेक्सिकल एनालिसिस फिर उसके बाद सिंटेक्स एनालिसिस मेंटिक एनालिसिस ठीक है सिंटेक्स एनालिसिस यहाँ पे आपके चेक होती हैं कौन सी एरर कि आपने सेमिकोलन तो नहीं मिस कर दिया ठीक है आपने कली ब्रेस तो नहीं मिस किया तो ये आपने सही तरीके से लिखा सी आउट की जगह आपने सीआउट लिखा कहीं ये तो नहीं लिख दिया सी आउ... आउट ठीक है प्रिंट की जगह आपने प्रिंट एफ ही लिखा है प्रिंट तो नहीं लिख दिया तो ये सब चीजें हैं ये phase, ये ये चीज़ चेक करता है। इस फेज में, में पकड़ी जाएगी ठीक है अब अगर मैं इसको और अलबोरेट करूं तो ये पूरा काम चलता है ठीक है ना ये पूरा आपका काम चलता है इसको मेरे को डिलीट करने तो, ये आपका एक्सप्रेशन है ठीक है वो एक्सप्रेशन लेक्सिकल एनालिसिस में गया ठीक है जी जब वो लेक्सिकल एनालिसिस में किया तो वो टोकन बन गए ये वाले उसके टोकन बन गए ठीक है अब ये टोकन जब बने ठीक है ना जब टोकन बने तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये ये किसके अंदर गया? के अंदर गया एनालाइजर एनालाइजर फेज के अगर ये इसको पास कर देता है तो इसका बनता है पार्स ट्री शायद आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये पार्स ट्री में वो कन्वर्ट होता है बैकहेंड की बात कर रहा हूं कि एग्जैक्टली exactly कैसे हैपन होता है ठीक है ना अब जब वो सक्सेसफुली इसका ये पार्स ट्री बन जाता है तो ये किसके पास जाता है सिमेंटिकल एनालिसिस फेज के अंदर सिमेंटिकल एनालिसिस फेज क्या करता है है कहता उसको चेक करता है ठीक है ना उसको चेक करता है कि जो मेरे पास पीछे से ये ये टेबल बन के आई है ट्री बन के आया है क्या ये ट्री बिल्कुल सही है अगर तो ये बिल्कुल ट्री सही है तो ये किसके पास जाएगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के पास ठीक है जी अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करता है कि उसका इंटरमीडिएट लेवल कोड जनरेट कर देता है ठीक है तो उसको यूज करके आपने शहसू रखा हो कंटेक्सट फ्री ग्रामर सी एफ जी को यूज करके शायद आपने कभी पढ़ा हो होपफुली आपने पढ़ा होगा तो सी एफ जी को यूज करके ये क्या क्या करता है आ, आ, आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है तो सी एफ जी क्या है आपके टुपल्स होते हैं बेसिकली ठीक है जी टुपल्स होते हैं ये वाले ये वाले ठीक है वीटी पी एस ठीक है तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी ठीक है तो उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके कोड को कितना स्क्वीज कर सकू ठीक है कोड को कितना स्केज कर सकूं फॉर एक्साम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं अगर मैं लिखू एक्ल टू ए प्लस फाइव है ना तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो अब आप ध्यान से देखो मैंने एक करेक्टर दो करेक्टर तीन करेक्टर चार करेक्टर पांच करेक्टर यूज किए जब मैंने पांच करेक्टर यूज किए तो मेरी इंक भी ज्यादा लगी और मेरी स्पेस भी ज्यादा लगी ठीक है ना मेरी इंक भी ज्यादा लगी मेरी स्पेस भी ज्यादा लगी यानी कि अगर मैं मेमोरी इसकी कंप्यूटेशन की बात करूं तो इसको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए

ठीक है ऑटोमेटिकली आपके कोड को स्विज स्क्वीज कर देता है जितने तक वो कर सकता है फिर उसके बाद जाता है आपका टीसीजी के अंदर टारगेट कोड जनरेशन ठीक है टारगेट कोड जनरेशन कौन सा है ये आपको असेंबली कोड जनरेट करता है समथिंग लाइक दिस एमयूएल इंस्ट्रक्शन एड इंस्ट्रक्शन एमयूवी इंस्ट्रक्शन फिर असेंबली असेंबलर के बाद असेंबली कोड किसके पास जाता है असेंबलर के पास जाता है असेंबलर क्या करता है उसको लिंकर लोडर के साथ ई एक्सी फाइल आपकी तैयार करके आपको दे देता है तो ये पूरी कहानी है पूरा 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 स्नेरियो है कैसे काम होता है ठीक है तो ए टेक्निकल पर्सन आपको इसके इसके बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि थ्री एड्रेस कोड क्या क्या है जी, क्या है 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 ठीक जी कई कई बार कई इंटरव्यूअर ऊपर चला जाता है, हर कोई नहीं जाता ठीक है ना हर कोई नहीं जाता कई जैसे कोई होता है बहुत ज्यादा टफ इंटरव्यू चल रही है आप उसको इंटरेस्ट आने लग गया तो इन चीजों को वो खोल देता है लेकिन अपना इसका टारगेट नहीं है तो ये चीजें आपने शायद पढ़ रखी हो तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी रिवाइजन रिविजन दे दी

कि जब मैं किसी भी कंपाइलेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो मेरे पास चार फाइलें बनती है एक तो फाइल ठीक ठीक है है जी एक एक मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन मेरे पास असेंबली एक मेरे पास लिंकर लोडर वाली फाइल जो होती है अगर आप ये चारों फाइलें देखना चाहते हो ठीक है तो उसको करने की कमांड क्या है उसको करने की कमांड ये है ठीक है ये कमांड है ये आपने कोई भी कोड लिखा ठीक है ये जैसे मैंने सी के अंदर कोड लिखा है तो ये सी की कमांड है बेसिकली ये मैंने C के अंदर कोड लिखा तो पहले मैंने आपको क्या बोला था? प्री -प्रोसेसिंग आ जाएंगे लेकिन आप देखना चाहते हो कि क्या सर सच में ये पांच छे सौ लाइने आती है तो आपके कौन सी कमांड है आपके पास ये कमांड है जब आप ये कमांड इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास उस फोल्डर के अंदर ये चार फाइलें आपको दिखेंगी ठीक है जी जो पहली फाइल मैंने आपको बोली थी प्री प्रोसेसिंग फेज जब आप इस फाइल को ओपन करोगे ना डोट आई एक्सटेंशन को तो आपका कोड के ऊपर आपका कोड ऐसे का ऐसे ही होगा लेकिन यहां पे यहां पे वो 400 से 500 सौ लाइने ऑटोमेटिकली आ जाएंगी ठीक है जो इसका कोड होगा जो इसका कोड होगा प्री प्रोसेसिंग का ठीक है अब उसके बाद अगर मैं एस फाइल ओपन करूंगा तो इसके अंदर आपको असेंबली कोड मिलेगा ठीक है जब मैं ओ वाली फाइल ओपन करूंगा तो इसके अंदर आपको मशीन इंस्ट्रक्शन मिलेगी ठीक है जब मैं ये फाइनल ओपन करूंगा तो ये आपका एक्चुअल कोड होगा जो चलता होगा ठीक है जी तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है अगर मैंने आपको बोला कि हमारा जो कोड है वो चार हिस्सों में से निकल के जाता है अगर आपको डाउट है कि सर हम वो चार हिस्से देखना चाहते हैं तो ये आपने कोड लिखना है कोड लिखने के बाद आपको ये कमांड चलानी है ठीक है ये आपको कमांड चलानी है तो उसी डायरेक्टरी के अंदर आपके सामने ये चार फाइलें आ जाएंगी जो मैंने अभी आपको ऊपर प्रैक्टिकली बताया है वो सारे का सारा आपको प्रैक्टिकली दिख जाएगा ये वाली डायग्राम ठीक है जी दिस दिस वन फर्स्ट डायग्राम तो ये आपको प्रैक्टिकली वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगी ठीक है एक फाइल बनती है इसकी प्री प्रोसेसिंग की ठीक है एक फाइल इसकी बनेगी एक आपकी फाइल बनेगी असेंबली कोड वाली एक आपकी फाइल बनेगी ऑब्जेक्ट कोड वाली एक आपकी फाइल बनेगी ई एक् ठीक है जी जो मेन फाइल होगी जो इन सब का कॉम्बिनेशन होगा ठीक है तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो ठीक है तो ये ये पूरी फाइल है ये सी की फाइल है अगर आपको सी में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप इसको एक बार फॉलो कर लोगे

तो आपको एकदम से मतलब हर चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी तो कोई डाउट नहीं रहेगा ये पूरी पूरी फाइल है ठीक है ओके तो ये होगी बात आपको बेसिक्स की कि ये ऐसा कुछ होता है तो सी प्लस प्लस के अंदर भी एक्जैक्टली exactly सेम है ठीक है तो अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा कोडिंग पार्ट की कोडिंग पार्ट का मतलब क्या है कि अब कोडिंग का मतलब है कि अपने को मेन कोड करना है ठीक है जी मेन कोड करना है मेन कोड करना है मतलब देखो अगर आपको इफ आता है ठीक है जी इफ एल्स आता है आपको फोर आता है नेस्टेड आता है, ठीक है आपको वाइल आता है अगर आपको ये सब आता है ठीक है जी अगर आपको ये सब आता है ये लगा के चलो कि आपको कोड आता है तो आपको कोडिंग आती है क्योंकि ये जो है ना ये ये जो आपको दिख रहा है ये बैकबोन है ये बैकबोन है किसी भी लैंग्वेज की ये बैकबोन है अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो इफ कंफर्टेबल इन टू दीज कैन राइट इजीली एनी कोड दुनिया का कोई भी कोड आप लिख सकते हो क्योंकि इनका ही कॉम्बिनेशन है आगे अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे भी तो लूप से ही प्रोसेस होगा या वाइल से प्रोसेस होगा ठीक है ना अगर मैं एस uh, टी की बात करूं ठीक है जी अगर मैं किसी किसी भी किसी भी टॉपिक की बात करूं क्लासेस की बात करूं ठीक है कोई भी लॉजिक की बात करूं कोई भी प्रॉब्लम की बात करूं ठीक है कोई भी प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये सब कॉम्बिनेशन है इसी का ही कॉम्बिनेशन है इसी का ही कॉम्बिनेशन है अगर मैं लिंक लिस्ट की भी बात करूं तो आपको इफ या फोर तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते तो हमारा जो मेन टारगेट है कि सबसे पहले हमारी जो बैकबोन है इन चीजों में स्ट्रांग हो जाए तो इसमें हम पचास प्रोग्राम बनाएंगे बेसिक्स टू लिटल टफ ठीक है इसमें ज्यादा टफ नहीं करेंगे बेसिक बनाएंगे उसके बाद थोड़े थोड़े टफ वाले क्वेश्चन करेंगे फिर हम मूव करेंगे एरेज के ऊपर ठीक है फिर हम मूव करेंगे फंक्शन एंड अदर 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 थिंग्स के ऊपर तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है हमारा जो आज का मेन टॉपिक है भैया हमारा क्या है इफ ठीक है जी इफ ठीक है जी उसके बाद इफ एल्स ठीक है जी उसके बाद आपका इफ ठीक है जी, and else. तो ये अपना मेन टॉपिक है जो आज हमने कवर करना है ठीक है जिनको आता है वेल एंड गुड एक बार सुन लो कोई डाउट होगा तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा ठीक है तो देखो बाकी चीजें मेरे को लगता है कि आप लोगों को आती हैं, वो ऑपरेटर्स आते हैं ना सारे ऑपरेटर्स आई सपोज अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना जी लॉजिकल ऑपरेटर ये तो सबको आते ही है इसमें तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है

इसको हिंदी में लेते हैं अगर है ना अगर अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता है ना इफ 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 आई इफ आई इफ आई इफ आई टू बिकम ए सॉफ्टवेयर डेवेलपर तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे कोई ना कोई प्रोग्राम लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी तो ये जर्नल चीजें हैं ठीक है ना ये जर्नल चीजें हैं हम अपनी जैसे ही हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं सेम चीज यू वॉन्ट टू परफॉर्म इन टू है मैं कोशिश करूंगा कि मैं नॉर्मल को आपके प्रोग्रामिंगली उसको कोरिलेट करो तो अगर आपने अपने कोड के अंदर कुछ ऐसा करना है अगर ये हो तो ये हो जाए अगर ये हो तो ये हो जाए। ठीक like है? अब इसको एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि मेरे पास एक पर्सन आ रहा है ठीक है जी अब मेरे पास एक पर्सन आ रहा है ठीक है अब मेरे पास एक पर्सन आ रहा है वो वो लॉग इन कर रहा है अब वो लॉग इन कर रहा है अब अगर तो उसकी एज 18 से बड़ी है

अब अपने को इस चीज को प्रोग्रामेटिकली प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करना है अब अगर मैं प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा हूं तो मुझे किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो वो अगर अगर वो इंप्लीमेंटेशन हो रही है तो उसकी किसी ना किसी कोड के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो रही है अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कौन सी लैंग्वेज हम करेंगे वो डिपेंड करता है कि मेरी प्रॉब्लम कैसी है ठीक है ना कि मेरी प्रॉब्लम कैसी है क्योंकि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मेरे को तो उसके अकॉर्डिंगली चलना है ना अब क्लाइंट मेरे को कह रहा है वेब डेवलपमेंट करनी है अब अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं तो मेरे पास ऑप्शन निकल के आती है पीएचपी ठीक है जी पाइथन जावा ठीक है या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो मैं इसके साथ जाऊंगा मैं सी सी प्लस प्लस के साथ नहीं जाऊंगा ठीक है ना तो ये सबसे बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपने प्रॉब्लम को किस कैटेगरीज में डिफाइन करना है ठीक तो तो है theorem, इसके ऊपर नहीं मैं जाऊंगा लेकिन हाँ टेक्निकल पर्सन अगर आप एक एडवांस एक लेवल की बात कर रहा हूं अगर आप एक डेटाबेस आर्किटेक्चर हो ठीक है आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको अपनी प्रॉब्लम को कैप के अंदर डिफाइन करना है ठीक है ना तब आप आइडेंटिफाई करोगे ओके okay, कि भैया अब इसमें से जो सबसे निकल के आया वो सी ए निकल के आया अब अपनी टीम को बताओगे भैया अपने को जो अचीवमेंट करनी है ना वो सीए के अकॉर्डिंगली करनी है कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी के ठीक है चलो ये थोड़ी सी मैंने आपको एडवांस बात बता दी बैक टू बेसिक क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं छेड़ता रहूंगा एडवांस भी अब अगर मैं इस चीज की बात करूं है ना अब अगर इस चीज की बात करूं तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है ठीक है अगर मैं मैं एक नॉन टेक्निक हमने सोचना कैसे है ठीक है मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको सोचने में दिक्कत आती है तो जब भी आपने कोई कोड को सोचना है तो पहले उसको फ्री माइंडेड जनरल लैंग्वेज में सोचना है कि नॉर्मली वो मांग क्या रहा है उसको उसकी रिक्वायरमेंट क्या है अब एक क्लाइंट आता है वो कहता है कि हमें ऐसी एप्लीकेशन चाहिए कि अगर कोई बंदा अठारह से ज्यादा एज डाले तो उसको एक मैसेज आ जाए भैया वेलकम टू माई क्लब ठीक है जी और यू कैन वो समथिंग लाइक दिस अब क्वेश्चन है कि अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करना है तो आपको चाहिए क्या क्या सबसे पहला ये क्वेश्चन है। देखो आपको वेरिएबल चाहिए है ना? वेरिएबल चाहिए। अब अगर मैं की बात करूं, तो होल्ड है? है. है? करते, है करते हैं तो ये कंटेनर है अच्छा अगर मैं इसको भी अब थोड़ा सा और खोलूं तो अपने पास दो तरह की प्रोग्रामिंग डायनेमिकली है ठीक है जी द सेकंड वन इज स्टैटिकली टाइप सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं ये है क्या ओके डोंट वरी अगर आपने नहीं सुना तो आपको अभी पांच मिनट में इसके बारे में डाउट क्लियर हो जाएगा दो तरह की प्रोग्रामिंग हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस okay? अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैटेगराइज uh, करता हूं तो आई है द वन इज स्टैटिकली टाइप्ड लेकिन सर इसमें डिफरेंस क्या आया ओके okay. डायनेमिकली टाइप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूं तो इसके अंदर तो ये चलो सर ये तो क्लियर हो गया कि सर दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है एक डायनेमिकली टाइप एक स्टैटिकली टाइप जिसके अंदर एक तो पाइथन को हम अलग कर रहे हैं सी सी प्लस प्लस और जावा को हम अलग कर रहे हैं स्टैटिकली टाइप के अंदर बिल्कुल ठीक जी लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है वो तो बता दीजिए हमें तो ये पता लग गया कि हाँ ठीक है सर दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। देखो अब अगर मैं स्टेटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब प्रायर टू यूज एनीथिंग प्रायर टू यूज वेरिएबल्स ओके प्रायर टू यूज वेरिएबल इट इज मैंडेटरी दैट यू आर सपोज टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स

तो उन वेरिएबल्स की डेटा टाइप बतानी बहुत जरूरी है नहीं तो आपके सामने एरर आ जाएगी आपके सामने एरर आ जाएगी ठीक है ना अनडिफाइंड ए आपने सुन रखा हो सिंबल सिंबल बी सी वेरिएबल एक्स समथिंग लाइक दिस ओके वाई सो बिकॉज सी सी प्लस प्लस एंड जावा फॉल अंडर दिस कैटेगरी दैट इज दिस

तो वहां पे आपको कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना ना इंट करना है ना फ्लोट करना है लेकिन अगर आप सी सी प्लस प्लस की बात कर रहे हो किसी भी वेरिएबल को आपको डिफाइन करना है एक्स को डिफाइन करना है तो पहले उसकी टाइप बतानी पड़ेगी तब जाकर के हो पाएगा नहीं तो वो आपको क्या फेंक देगा एरर फेंक देगा दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस

तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि मेरे जो कहने का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उसका मतलब क्या ये है। okay. so, यहाँ पे देखो यहाँ वेरिएबल एक्स के अंदर 10 डाल रहा हूं तो मैंने कहीं पे ऐसे बताया ठीक है, अगर मैं पाइथन के अंदर ऐसे करता हूं तो यू आर गेटिंग अगर मैं सिंपल लिख दूं तो या इट इज एक्सेप्टेबल नाउ यू कैन चेक इट आउट दिस कांसेप्ट इज टाइप लेकिन अगर मैं सी सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूं तो वहां पे आपको इसको बताना ही पड़ेगा कि भैया ये ये जो X है सिर्फ लेगा और कुछ नहीं ले सकता बट यहां पे क्या है डायनेमिक कांसेप्ट है देयर इज नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल देयर इज नो नीड ओके सो दिस वन इज मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली टाइप्ड एंड ओके गुड नाउ

इस ग्लास के अंदर क्या है डेटा है ठीक है जी डेटा है अब डेटा की टाइप क्या है सर टाइप इसके लिक्विड है तो ये तो हो जर्नल की बात। ये तो होगी जर्नल भाषा की बात कि सर अगर आप पानी मांग रहे हो तो वो किसी ना किसी कंटेनर में आएगा उस कंटेनर का जो नाम होगा उसका नाम हम ग्लास दे रहे हैं और उस कंटेनर के अंदर जो डेटा होगा उसकी जो टाइप है सर जी वो लिक्विड है तभी हम इसको ग्लास में लेके आए हैं अगर इसकी टाइप सॉलिड होती अगर मैं चपाती के लिए बोलता तो आप उसको प्लेट में लेके आते तो ये तो ये होगी नॉर्मल भाषा की बात अब अगर यही चीज को मैंने टेक्निकली कन्वर्ट करना है तो टेक्निकली मेरे पास लिक्विड कुछ नहीं होगा ठीक है जी मेरे पास कंटेनर होगा कंटेनर के अंदर डेटा मैं स्टोर करूंगा अब उस डेटा की टाइप क्या होगी यहां पे तो डेटा की जो टाइप है वो लिक्विड है लेकिन वहां पे लिक्विड नहीं होगी अगर मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं तो अगर मैं एक कंटेनर का नाम दे रहा हूं x ठीक है ना अब उसकी टाइप मैंने डिफाइन कर दी ये थ्रू आउट हिज लाइफ थ्रू आउट हिज लाइफ x जो कंटेन करेगा वो इंटीजर वैल्यू भी कंटेन करेगा क्योंकि तो मैंने बता दिया ठीक है जी x इज इक्वल टू 10 ठीक है ना अब ये क्या है ये इसकी डेटा टाइप है ठीक है ये क्या है वेरिएबल का नाम है कंटेनर का नाम है जैसे गिलास था यहां पे कंटेनर का नाम क्या है एक्स है यह उसके अंदर क्या है सर जी यह अंदर डेटा है इसकी टाइप क्या है सर जी हमने बताई है है इंटीजर तो यह होगी आपकी प्रोग्रामिंग ये होगी आपकी नॉर्मल लाइफ तो सेम चीज ही तो है डिफरेंस क्या है कंटेनर की बात करें तो गिलास कंटेनर की बात करें तो वेरिएबल है यानी कि एक्स है डेटा की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड है इसकी टाइप जो है डेट इज लिक्विड, लेकिन है क्या? तो क्या uh, uh, डाउट आप आए ना तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऐसे ही आपको फंक्शन की एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छी है जब हम फंक्शन टॉपिक करेंगे सो आई थिंक नाउ द पिक्चर इज क्लियर व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ ओके व्हाट इज टाइप तो अगर आपके पास एक डेटा टाइप पढ़नी है तो आपको वो आप खुद पढ़नी पड़ेगी है ना इंटीजर फ्लोट डबल डेट पार्ट वो आप पढ़ चुके हो, पेपर में लिख चुके हैं तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे ठीक है क्लास एरे समथिंग लाइक दिस ओके सो ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी अब थोड़ी सी एक पिक्चर में और आपकी क्लियर कर देता हूं दो चीजें आपने सुन रखी होगी कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब दोनों में डिफरेंस क्या है

ठीक है जी 500 पेजों की बुक है ये किस में लिखी हुई है चाइनीज में लिखी हुई है ठीक है ये चाइनीज में बुक लिखी हुई है अब मैंने क्या किया इसको कंपाइल करके ठीक है ना इसको कंपाइल करके इसका एक एग्जी e -E बना ली जो किस है जो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी है ना ये 500 पेजेस अब किस कन्वर्ट हो गए इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके हैं अब आप ये बुक नहीं पढ़ोगे अब आप सीधी ये बुक पढ़ोगे आपको चार 400 नंबर पेज पढ़ना है आप सीधी ये बुक ओपन करोगे इसके अंदर ये 400 पेज आप उसका देखोगे और उसको प्रोसेस कर दोगे अब आपका क्योंकि इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है आपको चाइनी नहीं आती आपने उसको कन्वर्ट किया और आपने उसको ईएक्सजी में कन्वर्ट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करके रख लिया अब जब भी आपको कोई भी पेज पढ़ना है तो आप ये पेज ओपन करोगे ये वाला बुक ओपन करोगे नोट ये ये नहीं ओपन करोगे ठीक है जी तो ये आपका कांसेप्ट है इसको बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस यानी कि आपने कंपाइल किया कंपाइल करके ये ये बना ली अब जब भी आप चला रहे हो, तो EXE को चला रहे रहे हो हो तो को आपको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है ये सोर्स कोड है ठीक है आपका मेन प्रोग्राम अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की सेम मैं ले रहा हूं अब ये चाइनीज बुक है पांच पेजों की ठीक है जी ये आपकी बुक है ये आपका इंटरप्रेटर है ठीक है अब अब इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है मान के चलो आपको 400 नंबर पेज पढ़ना है तो अब आप क्या कर रहे हो आप इस बुक के अंदर जा रहे हो 400 पेज नंबर उठा रहे हो उसको कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश में ले रहे हो पहली बार आपने ऐसा किया दूसरी बार को आपको 300 नंबर पेज चाहिए था आप फिर यहां पे आए आपने 300 नंबर पेज उठाया उसको कन्वर्ट किया और आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया अगली बार फिर आ रहे हो आप फिर आपको 400 पेज ही चाहिए था फिर आपने ये उठाया फिर उसको कन्वर्ट किया फिर आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसमें से डेटा निकाल लिया ये होता है इंटरप्रेटर प्रोसेस लाइन बाय लाइन जिसको हम बोल देते हैं ठीक है अब दोनों में फास्ट कौन है देखो कंपाइलेशन टास्क जो है वो फास्ट है इंटरप्रेटर वाला थोड़ा सा स्लो है तो जो इंटरप्रेटर यूज करता है वो आपका पाइथन यूज करता है सी सी प्लस प्लस जो यूज करता है वो कंपाइलेशन टास्क यूज करता है ठीक है अब ये ये जो आपको मेजर डिफरेंस है वो ये है इंटरप्रेटर का मतलब कि उसने जो भी लाइन को चलाना है उसको ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करके उसकी आउटपुट लेनी है अगर ये 400 नंबर पेज उसको 10 बार चलाना है तो वो क्या करेगा 10 बार इसको कन्वर्ट करके 10 बार उसकी लेगा। है जी तो ये है, और जो यूज करता है याद रखनी है ये आपको ठीक है जी ओके सो और सर हमें यह भी क्लियर हो चुका है कि डेटा क्या होता है डेटा टाइप्स क्या होते हैं टाइप्ड क्या होती है डायनेमिकली टाइप्ड क्या होती है और ये हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी ही पता लग चुका है तो हमारे चीजें सब पता लग चुकी है क्या हम अब कोड कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल कोड कर सकते हो ठीक है लेकिन एक चीज है छोटी सी आपको कोड करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज अंडरस्टैंड ऑल डेटा टाइप्स ऑफ सी सी प्लस प्लस ठीक है जी अगर आपको नहीं है, समझ आती तो यू कैन कम टूमारो आई विल टेक ए दिस ठीक है और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है ठीक है जी वो आपके दो दो टास्क में आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम अगर इस डिस, डिस्कशन में चले गए तो हमारा कोड नहीं होगा तो हमने एक या दो या तीन प्रोग्राम मिनिमम आज करने हैं एकदम से ज्यादा भी नहीं कर दें दो या तीन प्रोग्राम मिनिमम अपने को करने हैं ओके okay. क्योंकि तो मुझे असाइनमेंट्स भी देनी है आपको इमिडिएटली ओके गुड नाउ अंडरस्टैंड डाउट

मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है अपनी दुकान के लिए तो मुझे तो पता नहीं सी सी प्लस क्या है मुझे तो तो ये पता है 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 कि भैया एक एप्लीकेशन चाहिए वो वो बना के के दे ठीक तो मान चलो क्लाइंट क्लाइंट आता ऐसे ही बोलता है। जो नॉन टेक्निकल होता ना वो ऐसे ही बोलता है सर ये चाहिए सर वो चाहिए सर ऐसा हो सर वैसा हो वैसा वैसा वैसा, वैसा। फिर हम क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं बींग प्रोग्रामर हम उसको दिखाते हैं पहले तो बेस दिखा देते हैं फिर अगर उसे ज्यादा पैसे लेने हो हम उसको फीचर बताने शुरू कर देते हैं कि अब आप ये कर सकते हो इसमें ये डलवा लो इसमें ये डलवा लो वो कहता है हाँ ठीक है सर डाल दो डाल दो और हम साथ में उसका बजट क्या है बढ़ाते जाते हैं फिर हम बोलते हैं जी एस भी करेंगे हम उसकी ठीक है मार्केटिंग भी करेंगे जी सर फिर उसमें कल को कोई अपडेशन आती है वो भी करेंगे आपका डेटा बढ़ता है तो हम भी तो मतलब ऐसे करके हम क्या करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लंबे समय तक अगर उसको आपको मेंटेन करना है तो आपको ये करना ही पड़ता है ठीक है ना अब ये चीजें आपको जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको कि सर आप ये भी ले लोगे ना तो आपका ये काम हो जाएगा ये कहां से आती है चीजें

अब नॉन टेक्निकल पर्सन आता है वो कहता है कि सर मुझे मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा एक प्रोग्राम चाहिए कि जो मेरी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ये है मैं बड़ी छोटी सी लेके चल रहा हूं अब सबसे पहले बात है कि हम अब मैं उन बच्चों को फोकस कर रहा हूं जिनको प्रोग्रामिंग सोचनी नहीं आती ठीक है दे दे कैन कैन नॉट थिंक थिंक अबाउट प्रोग्रामिंग तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से आपने कोड को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है ओके दिस वन इज रिक्वायरमेंट इफ

ये मेरा लॉजिक बनेगा अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसको मुझे वेलकम करना है यानी कि उसको बोलना है वेलकम टू माय क्लब वेरी सिंपल एग्जांपल अब बात करते हैं कि इसको लिखना कैसे है ठीक है अब अगर मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं है ना अगर मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं तो यहां पे इफ कंडीशन लगेगी इफ के अंदर अपने को पता है कि हमें लॉजिक लगाना पड़ता है यानी कि हमें कुछ ना कुछ कंडीशन देनी पड़ती है कि भैया ये मेरी कंडीशन है अगर तो ये कंडीशन फुलफिल होती है तो भैया ये चीज कर इट दैट्स इट तो मैं अभी आपको एक छोटा सा सिंटेक्स दिखा रहा हूं जिनको आता है वो भी इंजॉय करे जिनको नहीं आता वो भी इंजॉय करे इफ कंडीशन इफ दिस वन इज ट्रू दिस वन इज ट्रू इंप्लीमेंट दिस वन देन इंप्लीमेंट दिस वन तो अपने को ये इंप्लीमेंट करना वेरी सिंपल वेरी स्मॉल लॉजिक वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल लॉजिक ओके अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये ब्लॉक इंप्लीमेंट होगा ये ब्लॉक इंप्लीमेंट होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो कुछ भी नहीं होगा अभी मैंने एल्स पार्ट को छेड़ा नहीं है अभी मैंने एल्स पार्ट को नहीं छेड़ा तो अभी अगर मैं इसका कोड लिखता हूं तो वो आपको पता ही है ऊपर आपको हेडर फाइल लगानी है ठीक है एक दो तीन वो आपकी मर्जी है जितनी मर्जी लगाते जाओ ठीक है दो तो मेन इंपॉर्टेंट है ना एक तो आयोस्टीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब उसके बाद इंट मेन अब कुछ बंदों को दिक्कत है कि सर यहाँ पे कुछ बंदे वाइड लिख देते हैं कुछ बंदे इंट लिख देते हैं इसका मतलब क्या है ये जो है ये आपकी हेडर फाइल्स हैं ठीक है हेडर फाइल का मतलब क्या है कि अंदर भैया जो भी मैं लिखने जा रहा हूं सी आउट लिखने जा रहा हूं इंट लिखने जा रहा हूं उसको डेफिनेशन तो मिलेगी ना कहीं से वो डेफिनेशन यहां से मिलेगी अब जो पुराने वर्जन है अगर मैं टर्बो की बात करूं तो वहां पे वाइड वाइड था दैट फंक्शन रिटर्न एनीथिंग लेकिन अगर मैं नए वर्जन की बात करूं क्योंकि मैं इलेवन की बात कर रहा हूं ठीक है तो वहां पे आपको इंटमेन लिखना ही पड़ेगा और एंड में रिटर्न करवाना पड़ेगा जीरो या कुछ भी अब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly मतलब क्या है इसका इसका मतलब पता क्या है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसका मतलब क्या है कि इंट का इंट मेन का मतलब क्या है कि मेन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट यानी कि इसके बाद जो है वो मेन एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की ठीक है ना अब ये प्रो ये फंक्शन बेसिकली ये भी तो एक फंक्शन है ना ये फंक्शन अपना काम करके रिटर्न करेगा कोई ना, कोई ना कोई इंटीजर कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगा अब इस इंटीजर रिटर्न करने का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि भैया मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब ये चीज को इंप्लीमेंट करेगा करने के बाद जब मुझे रिटर्न करके कोई वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूं एक्नोलेज कर रहा हूं कि भैया एवरीथिंग इनसाइड दिस रन सक्सेसफुली इसके अंदर बंदे ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है और बिल्कुल सही तरीके से वो इंप्लीमेंट हो चुका है दैट्स इट

ठीक है जी अब मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली कन्वर्ट करते हैं मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि भैया मेरे पास वैल्यू आएगी तो वैल्यू आएगी तो सबसे पहले आपको स्टोर स्टोर करनी है है तो तो करने के लिए आपके पास कंटेनर है। तो कंटेनर को सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले ही फंडा यही है कि भैया जब तक आपके पास गिलास नहीं होगा आप पानी को कैसे होल्ड कर लोगे भाई तो सबसे पहले अपने को क्या करना है वेरिएबल डिफाइन करने है एज ठीक है मैं एक छोटा सा वेरिएबल ले रहा हूं उस वेरिएबल का नाम क्या है एज ठीक है अब आपको पता है सी आउट का मतलब क्या है कंसोल आउट जो स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा वट जो भी आप लिखोगे एंटर एज वेरी गुड ठीक है अब हमेशा याद रखनी है एक चीज जब भी आपने ये कंसेप्ट लिखना है तो ये आपके रेलिवेंट हो प्रॉब्लम के अब आप जब भी आप लॉग और पासवर्ड भरते हो किसी भी यूजर नेम वाले पेज के ऊपर तो साफ साफ लिखा आता है लॉग एंड पासवर्ड आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भैया पे, पे पासवर्ड भरना है, तो चीज़ जब जब भी आपको, जब भी आपको, आपको ऐसा कोई भी मैसेज देना है ना तो याद रखना वो आपकी प्रॉब्लम के रेलिवेंट हो ऐसा ना हो कि अब, अब कुछ भी लिख दो चल जाएगा चल जाएगा लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान ही यही है कि वो ये सब चीजों को माइंड में लेके चलता है ठीक है अब आपने एंटर एज की

अठारह से बड़ी हो जाती है ठीक है ना अगर ये वाली एज अठारह से बड़ी हो जाती है तब मैंने उसको वेलकम करना है अदरवाइज उसको कुछ नहीं करना अभी मैं इसमें एल्स पार्ट नहीं इंप्लीमेंट कर रहा ठीक है अब बात करते हैं कि वो लॉजिक बनाना कैसे अब आ गया मेन आपका लॉजिक ये तो वेरिएबल तो सबने डिफाइन कर लिए लेकिन सर ये लॉजिक वाले पार्ट पे ही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वही है ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा सा उसको अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करो ले भाषा में कन्वर्ट करके उसको इंप्लीमेंट करो ठीक है अब यहां के बाद क्या लिखना आपको इफ अगर अगर बंदे की एज इफ एज ग्रेटर देन देन ओके, ग्रेटर तो क्या हो तो सर जी ये हो क्या करवाना है जी उसको एक सिंपल स्क्रीन के ऊपर मैसेज देना है आउट वेलकम टू माइक डेट से और ये जब कोर्ट चलेगा और ये चलेगा क्या इफ का मतलब क्या है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये चलेगा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ नहीं होगा इसमें तो इसमें कुछ नहीं होगा अगर मैं इसको चलाऊंगा अब होगा क्या सबसे पहले एज आएगी बंदे ने अपनी एज भर दी लेट सपोज बंदे ने जो एज भर दी वो भर दी तीस परफेक्ट अब अब मेरे कंडीशन क्या है कि अगर मेरी ये एज यानी कि ये वाली वैल्यू तीस से बड़ी है सॉरी अठारह से बड़ी है ठीक है ना तो तो कहता है यह चीज इंप्लीमेंट कर दे, तो स्क्रीन के ऊपर एक अच्छा सा मैसेज जा आ जाएगा वेलकम टू इट अब इसमें एक ट्विस्ट और डाल देते हैं अब अगर बंदे ने यहां पे एज दस भर दी अगर यहां पे एज बंदे ने दस भर दी, तो क्या होगा तो उसके पास कोई मैसेज नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन क्योंकि ये, condition, ये, condition नहीं हो रही। अगर ये बोल दिया डेट इट क्योंकि बंदे ने अगर तो एज 18 से बड़ी भर दी तो उसको मैसेज जा आ जाएगा लेकिन अगर वो 10 भर रहा है तो उसके पास कुछ मैसेज नहीं उसको समझ नहीं आएगा हुआ क्या है अब अगर मैं इसको रियल टाइम अटैच करूं तो मान के चलते हैं आपने लॉग भरा ठीक है आपने लॉग भरा आपने पासवर्ड भरा आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप बोलोगे यार मैं यूजर भी भर रहा हूं और पासवर्ड भी भर रहा हूं लेकिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा क्योंकि आपका जो लॉगिन है या तो वो सही नहीं है या तो आपका पासवर्ड सही नहीं है लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है अगर तो आप बिल्कुल सही भर रहे हो लॉग और पासवर्ड सही भर रहे हो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका आपका मेन मेन पेज ओपन हो हो रहा तो रहा तो रहा है रहा है 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 सेम कंडीशन अगर तो तो आप एज से ज्यादा भर रहे चल चल ये वेलकम टू माई क्लब लेकिन अगर आप नहीं भर रहे तो उसको पता ही नहीं लग रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है क्या था अगर ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा आपको साथ में लगाना पड़ेगा एल्स else. Okay. Else के अंदर आप लिखोगे मच मोर सुबल अब अगर तो एज अठारह से बड़ी है एज अठारह से बड़ी है तो कहता क्या चले कहता ये चले. अगर एज अठारह से बड़ी नहीं आती तो कहता क्या चले कहता है ये चले कि भैया तू माइनर है तू नहीं आ सकता क्योंकि तेरी एज अठारह से बड़ी बड़ी नहीं है तो यहाँ पे जो बंदे अलाउड है वो सिर्फ अठारह वाले ही अलाउड है, है अगर अठारह वाले भी अलाउड करने हैं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू करो ठीक है तो ये ऑपरेटर ये आपका कौन सा है ये रिलेशनल ऑपरेटर ठीक है ना रिलेशनल लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू तो ये क्या है ये रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर इनकी जो रिटर्न टाइप होगी वो हमेशा ट्रू और फॉल्स होगी ट्रू और फॉल्स यानी कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है ये कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट दिस वन क्योंकि यहां पे जो रिटर्न होगा वो ट्रू रिटर्न होगा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है देन देन रिटर्न इट विल एग्जीक्यूट दिस एल्स पार्ट तो एल्स का मतलब क्या हुआ अगर तो एज बड़ी एज इज नाउ नाउ रीड दिस लाइन इनटू द इंग्लिश मैनर इफ एज इज ग्रेटर प्लीज म्यूट योर सेल्फ देन आई विल टेक यूर क्वेश्चन इफ एज इज प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज म्यूट यूर सेल्फ प्लीज 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 म्यूट योर सेल्फ थैंक यू थैंक यू प्लीज म्यूट यूर सेल्फ यू आर डिस्टर्बेंस हो जाती है ओके थैंक यू ओके तो अब अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ू तो इंग्लिश इसकी क्या बनती है इफ पर्सन एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटीन

सिंपल वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी है ना तो अपने को जब भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो और उसके पीछे छुपा हुआ मैथमेटिक्स देखो अब देखो अगर इसमें मैथमेटिक्स ढूंढे तो मैथमेटिक्स क्या है ये मैथमेटिक्स ही तो है ये ग्रेटर देन टू साइन मैथमेटिक्स से तो आया है ये मेरी कंडीशन जो बनी है ये मैथमेटिक्स से तो बनी है और कहां से बनी है प्योरली मैथमेटिक्स से बनी है अब देखो इसके पीछे भी मैथ ही छुपा हुआ है अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इसके पीछे मैथ है ये वाला मैथ और ये मैथ आपने कौन सी कक्षा में पढ़ा था आई थिंक हमने सेकेंड और थर्ड में पढ़ा था ये हम 18 में और uh, थर्ड क्लास में पढ़ के आए तो वही मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज हो रहा है तो अब अपने आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना हमें मैथ नहीं आता आपको मैथ आता है भाई. वेरी यूजफुल और मैं इसका रियल टाइम यूज केस भी बताऊंगा आपको इवन ओड 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 है ना इवन इवन हाँ जी का मतलब क्या है इवन ओड का मतलब क्या है नंबर इज इवन इवन का मतलब दो चार छ आठ दस ओड का मतलब तीन पांच सात समथिंग लाइक दिस ओके अब एक क्लाइंट आता है क्लाइंट आता है वो कहता है कि सर जी मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मैं नंबर दूं और मुझे वो बताए कि ये नंबर इवन है कि है इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर मुझे नहीं आती कोडिंग मुझे तो ये एप्लीकेशन चाहिए कि कस्टमर जब मेरे पास आए वो एक नंबर भरे अगर तो वो नंबर इवन आता है अगर वो इवन नंबर भरता है तो मैं उसको प्रोसेस कर दूं अगर वो रेंडमली ओड भरता है तो मैं उसको बोलूं कि यार नहीं यार तू बंदा ठीक नहीं है कि मुझे कोई ऐसा सिस्टम चाहिए ठीक है जी तो इसको हैंडल कैसे करेंगे वेरी सिंपल वेरी सिंपल ओके

अगर इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है। That's it. That's it. अगर मैं इसके हमें, हमें रिमाइंडर कैसे आएगा हमारे पास रिमाइंडर क्वेश्चन तो हम ले लेते हैं लेकिन रिमाइंडर कैसे आता है अच्छा अगर मैं लिखूं टेन डिवाइडेड बाय टू तो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास ये क्वेश्चन आएगा अगर मैं लिखूं टेन मॉड्यूलेशन ऑफ टू तो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास रिमाइंडर आएगा जीरो और इसका रिमाइंडर आएगा वन. ठीक है जी तो अब मेरे को यह पता लग गया कि सर इसके पीछे जो छुपा हुआ मैथमेटिक्स है वो ये है और इसको अचीव करने के लिए मुझे ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा और ये कंसेप्ट कैसे यूज करोगे इफ रिमाइंडर इज जीरो रिमाइंडर इज देन द नंबर इज इवन इफ रिमाइंडर इज वन

तो क्या ये जीरो के बराबर है है ना अगर तो जीरो जीरो के बराबर है तो मतलब क्या इवन है अगर वन जीरो के बराबर नहीं है तो मतलब क्या हुआ ये है? That's it. ये है इसके पीछे छुपा हुआ पूरा मैथमेटिक्स है अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूं अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो आप देखो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो इट्स मीन द नंबर इज इवन एल्स द नंबर इज ओड दैट्स इट और ये होगी उसकी इंग्लिश ये हो गया उसका

मॉड्युलेशन ऑफ टू डबल इक्व टू जीरो इफ मॉडुलेशन ऑफ टू डबल इक्व टू जीरो डेट सीट नंबर इज ओके परफेक्टली फाइन लो जी ये आपका कोड बन गया ये आपका कोड बन गया जी ये देखो वही वही मैथमेटिक्स वही मैथमेटिक्स वही इंग्लिश टर्मिनोलॉजी वही इंग्लिश टर्मिनोलॉजी वही इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इट अगर तो ये नंबर मॉडुलेशन होके जीरो आता है है अब मेरे को पता है कि मेरे को को पता कि रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर कौन देगा ये देगा तो अगर मैं लिख रहा हूं टेन मॉड्यूलेशन ऑफ टू तो इसका मतलब क्या है ये रिमाइंडर दे रहा है जीरो अगर मैं लिख रहा हूं इलेवन मॉडुलेशन ऑफ टू तो ये मुझे रिमाइंडर दे रहा है वन क्या जीरो जीरो के बराबर है जब जीरो जीरो के बराबर है तो कहता नंबर लिख इवन जब जीरो जीरो के बराबर नहीं है कि कि है है और दोनों सेम नहीं एक है एक, एक जीरो तो इंग्लिश में कन्वर्ट इफ रिमेंडर डबल इक्वल टू जीरो तो रिमाइंडर निकालने का तरीका ये है इफ रिमाइंडर इज इक्वल डबल इक्वस टू जीरो

तो कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया इवन और ओर निकाल के दे काम हो गया ओके डोंट वरी सो अगर आप इस प्रॉब्लम को रियल टाइम की बात कर रहे हो मेरे पास एक क्लाइंट आता है मेरे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है कि, मुझे एक लाख स्टेप लेने कि एक लाख आइट्रेशन करनी है वन लैक आइट्रेशन आई और मुझे क्या देखना है सर मुझे हर हर एवरी every 70 71 or you can say 771 iteration pay, iteration pay value kya ban rahi hai that i want to check it out mujhe 1 lakh step lene hai lekin sir meri jo requirement hai na वो ये है कि हर 771 आइट्रेशन जैसी पहली 771 iteration आइट्रेशन हुई और यू कैन से सिंपली फॉर प्रनाउंस चलो ये लेते हैं 600 ले लेते हैं ठीक है कि सर मुझे ये देखना है हर छे सौ मी आइट्रेशन पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है हर आफ्टर सिक्स हंड्रेड आइट्रेशन वैल्यू डेट आई एम गेटिंग एवरी 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 आइट्रेशन आफ्टर एवरी सिक्स वैल्यू आई एम गेटिंग ठीक है मैंने डिफिकल्ट नंबर क्यों लिया था क्योंकि आपको सोचने में फिर बहुत टाइम लगता नाउ आई वॉन्ट माई क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज दिस वन मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कहता जी मुझे ये चाहिए अच्छा जी पांच मिनट का लॉजिक है पांच मिनट का लॉजिक कैसे ये आपका इवन ओड वाला formula यूज होगा सर कैसे यूज होगा जी अभी देखो कहता जी मुझे चलना है for int i is equal to one i less than equals to one lakh i plus plus ठीक है सर जी ये तो हमें चला देगा यहाँ पे खड़े हम one पे खड़े हैं एक लाख तक ले जाएगा लेकिन सर हमें तो ये देखना है ना हर seventy seventy one iteration पे seven hundred seventy one iteration पे क्या वैल्यू आ रही है जी ओके okay. इफ i

सर जी मुझे ये देखना है कि सर जी हर सेवन सिक्स सेवेंटी वन पे क्या वैल्यू हो रही है 671. So ये, मैं मॉडल को ट्रेन कर, कर, कर रहा था और मुझे दिक्कत क्या आ रही थी मुझे ये देखनी थी कि हर पांच सौ इकवंजावी हाइट्रेशन पे हर फाइव फिफ्टी वन और हर पांच सौ पचासवीं आइट्रेशन पे मेरा जो मॉडल है वो कितना गेन कर रहा है या कितना लॉस कर रहा है कि वो ट्रेनिंग में कितनी गेनिंग कर रहा है और कितनी लूजिंग कर रहा है तो वहां पे मैंने ये लॉजिक इंप्लीमेंट किया था वेरी सिंपल लॉजिक नाउ दिस वन इज द कंप्लीट लॉजिक फॉर योर इवन एंड ओड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये क्यों पढ़ाया जाता है प्रोडक्शन में कोई नहीं बोलेगा कि बेटा इवन और ओड निकाल के दे, दे दे भाई तेरा काम हो गया नो नो वन गोना टू आस्क यू रियल टाइम सिनेरियो में ये देखो ये लॉजिक है ये सिंपल सा लॉजिक है एक लाइन का अगर आपको मैं बोलता आप करते आप सोचते कि सर पहले हम क्या करते एक लाख हाइड्रेशन को पहले स्टोर करते किसी एरे में फिर हर सिक्स नाइनटी एट्टी टू वैल्यू को हम पिक करते तो पहले तो आप स्टोरेज को वेस्ट करते ठीक है जी पहले स्टोरेज को वेस्ट करते फिर आप उसको दोबारा हाइड्रेशन करते और ये तो एक लाख बात एक लाख की बात है अगर एक करोड़ होता फिर क्या करते है ना पांच करोड़ होता तो फिर क्या करते दीज आर द स्मॉल स्मॉल लॉजिक्स एंड वेरी यूजफुल फॉर द रियल टाइम यूज केसेस तो इससे आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी इससे आपकी एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी रेलिवेंट हो जाएगी हैंग नहीं होगी ठीक है जी ओके गुड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि सर हमें ये प्रोग्राम क्यों करवाए जाते हैं ओके okay. किसी का कोई क्वेश्चन है डाउट है तो यू कैन आस्क मी बिफोर प्रोसीड फर्दर अगर किसी भी बच्चे को अभी तक स्टिल एनी वन हैविंग क्योंकि मैं बहुत बेसिक चला रहा हूं अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं अभी हाँ जी एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो समझ आ रहा है वही चीजें समझ आ रही हैं है ठीक दो, दो. Yes, है ओके 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 चलो अब एक क्वेश्चन बोल लेते हैं राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन थ्री नंबर तो ये अपना कोड है दो वाला आपने करना है आपकी असाइनमेंट है अब थ्री के अंदर में ठीक है. तो आपको, आपको है. है मैं आपको दो या तीन असाइनमेंट दूंगा वेरी सिंपलू अब थोड़ा सा ट्विस्ट और डालते हैं अब अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना अगला कंसेप्ट है इफ Else, else. अब इसकी जरूरत कहां आन पड़ी है ना इसकी जरूरत कहां आन पड़ी पहले तो इसको लेमन टर्म में समझते हैं आप अपने हॉस्टल में हो या अपने घर पे हो फॉर एग्जाम्पल आप अपने हॉस्टल पे हो ठीक है जी वट एवर आपने शाम को पांच बजे पांच बजे किसी को मिलने जाना है ठीक है जी पांच बजे किसी को मिलने जाना है अब आपके माइंड में प्लानिंग चल रही है आपके पास बाइक नहीं है आपके पास बाइक नहीं है लेकिन आपने जिसको मिलने जाना है ठीक है जही, जहां पे भी आपने मिलने जाना है वो सफर थोड़ा सा लंबा है तो आपको बाइक की या कार की जरूरत पड़ेगी ठीक है या बस की जरूरत पड़ेगी ओके अंडरस्टैंड दिस तो ये क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है फिर हम इसको टेक्निकली कन्वर्ट करेंगे अब आपने जिसको मिलने जाना है पांच बजे आपके माइंड में प्लान चल रहा है ठीक है जी आपके माइंड में प्लान चल रहा है कि यार मैं राम से मोटरसाइकिल की चाबी मांगूंगा अगर राम ने ना दी तो मैं शाम से मांगूंगा अगर शाम ने ना दी तो मैं मोहन से मांग लूंगा अगर मोहन ने भी चाबी ना दी तो मैं सोहन से मांग लूंगा लेकिन अगर सोहन ने भी ना दी फिर मैं बाया बस ही चला जाऊंगा ये आपके माइंड में प्लानिंग हुई है ये आपके माइंड में प्लानिंग हुई यानी कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है अगर राम आपको चाबी नहीं देता तो सेकंड कंडीशन यू विल गो टू दी शाम शाम भी नहीं देता दू विल गो टू तो दी मोहन मोहन भी नहीं देता यू विल गो टू दी सोहन सोहन भी नहीं देता तो यू विल गो बाय बस आपके माइंड के अंदर प्रोसेसिंग चले इफ राम डजन गे मी की आई विल गो टू दिस आई विल गो टू दि शाम आपकी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो दूसरी पे दूसरी कंडीशन फेल हो जाए तीसरी तीसरी फेल हो चौथी चौथी फेल हो पांचवी छठी सौतवी अठवीं हजार कंडीशन लगा सकते हो अगर सारी की सारी फेल हो जाती है देन यू विल गो फॉर दी डिफॉल्ट कंडीशन तो यही काम कहता मुझे अपने कोड के अंदर करना है आई है okay. अगर मैं यही चीजों की बात करूं अच्छा अगर मान के चलो आपको शाम चाबी दे देता तो आप मोहन के पास जाते आप कभी ना जाते क्योंकि आपका काम हो गया यानी कि टर्मिनेशन एंड आपको चाबी मिल गई आप चले गए अगर आपको शाम ना देता तब आप मोहन के पास जाते अगर आपको राम ही दे देता तो ना आपको शाम के पास जाने की जरूरत ना मोहन के ना सोहन के ना बस के पास यानी कि जो कंडीशन सक्सेसफुल होगी वो एज इट इज चल जाएगी अगली कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है ओके तो अब अब बात करते हैं कि इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है अब मेरा जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स तो ये मैं आपको सुडो कोड दे रहा हूं ठीक है जी आपकी असाइनमेंट है आपने दो फाइंड नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स एंड फाइव नंबर ये दो प्रोग्राम तो आपने बनाने ही बनाने हैं ठीक है तो मैं आपको एक छोटा सा सुडो कोड दे रहा हूं इफ ए ग्रेटर देन बी वेरी गुड एंड यस ए ग्रेटर देन सी एंड का मतलब क्या है एंड का मतलब एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ये मैंने पाइथन का लिख दिया इसमें एंड ऐसे होता है ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई एंड इफ बोथ ऑफ दीज टू कंडीशन आर ट्रू फर्दर यानी कि इस कंसेप्ट को अगर आपको समझना है मान के चलो आपने एक्स वाई जेड कॉलेज में एडमिशन लेनी है अगर मेरा यहां पे क्लोज है अगर आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स सत्तर से बड़े हैं एंड इंग्लिश के मार्क्स सत्तर से बड़े हैं देन यू विल प्रोसेस्ड अगर आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स सत्तर से बड़े हैं तब आप आ पाओगे अगर आपकी दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो आपको प्रोसेस नहीं किया जाएगा दैट्स इट एंड का मतलब क्या है इफ द बोथ ऑफ द कंडीशन आर ट्रू देन यू आर सपोज टू प्रोसेस इट अगर यह कंडीशन फेल हो जाती है तो अपने पास एल 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 सिप है एल सिप क्या करेगा जितनी एक और कंडीशन लगा दो ठीक है जी उसके बाद एक और एल सिप लगा दो एक और कंडीशन लगा दो एक और एलसीफ लगा दो एक और कंडीशन लगा दो डिफॉल्ट कंडीशन एंड में क्या बनेगी एलस बनेगी ओके okay, अगर तो ये भी फेल हो जाता है ये भी फेल हो जाता है ये भी कंडीशन फेल हो जाती है देन इट विल गो फॉर दी एलस कंडीशन तो आपकी जो असाइनमेंट है दिमाग से करनी है राइट अ कोड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स एंड देन यू आर सपोज टू मूव टू द फाइव नंबर ठीक है जी और जितने भी मैंने अभी आपको दो या तीन प्रोग्राम करवाए हैं एक तो आपने ये खुद बनाने हैं बिना देखे अपने दिमाग से ठीक है अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आते तो प्लीज अपने दिमाग से बनाओ क्योंकि कल हम अगला करेंगे फॉलोअप और इसको एक बार इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और इसके बाद आपको क्या करना है तीन नंबर से और पांच नंबर से बड़ा प्रोग्राम निकाल के आपको दिखाना है एक तो आपकी ये असाइनमेंट होगी एक और असाइनमेंट आया आपने क्या करना है पांच सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकालनी है ठीक है जी पांच सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी है और उसको ग्रेडिंग में कन्वर्ट करना है अगर तो नाइनटी से बड़ी है तो ए प्लस ग्रेड अगर एट्टी और 90 के बीच में आता है तो ए ग्रेड अगर 70 और एट्टी के बीच में आता है तो बी ग्रेड अगर सिक्सटी और सेवनटी के बीच में आता है तो सी ग्रेड अगर सिक्सटी से कम आता है तो फेल तो ये आपका कोड है ये आपका कोड है ये तीन कोड बना लिए तो ये, अपने आप ये लगा के चलो बिना देखे फंडामेंटल वेरी बेसिक्स वेरी फंडामेंटल थिंग्स क्योंकि इसके बिना कोडिंग को आगे ले जाना इम्पॉसिबल है तो आई होप सबको समझ आया होगा ठीक है और सबको कोशिश जरूर करनी है क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आपको अपने आप से कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इतनी डेप्थ में नहीं गया इन चीजों के क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ रखी हैं तो कल हम इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखेंगे और उसके बाद आपकी फोर लूप को हम टच करेंगे क्योंकि फोर लूप इज वेरी बेसिक फंडामेंटल क्योंकि यहाँ पे आके आधे बंदों का हौसला ध्वस्त हो जाता है और उसके बाद नेस्टेड फोर लूप के अंदर आके तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं तो अपना टारगेट होगा कि कल हम फोर लूप को इन डेप्थ अच्छे से एक बार समझे लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन काइंडली मेक दीज थ्री प्रोग्राम अगर आपने ये तीन प्रोग्राम बना लिए तो अपने आप को ये लगा के चलो बिना देखे और बिना बिल्कुल सही आउटपुट आ गई तो आपका इफ और एल इफ वाला कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया ठीक है जी तो एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन एनी डाउट बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन प्लीज डू लेट मी नो अगर किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार पूछ लो एंड एंड आई होप एवरी वन विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट ब्लॉक्स जहां मैटर आपको अच्छी लगती है, में यूज़ करो, लेकिन मैं जो उसी के ऊपर काम करूंगा आपको भी बताऊंगा उसमें बहुत अच्छे फीचर है कुछ ऐसे फीचर है कि वो जो जावा को टक्कर देते हैं ठीक है तो आपको जावा करने की फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ती अगर वो आप फीचर एक बार सीख लो स्टेप बाई स्टेप वी विल डू इट टमारो आई विल शो यूचर ऑफ सी प्लस प्लस इलेवन साथीचर दिखा दूंगा आसान था आपने आ, हाँ, आ, सबने कर रखा होगा अगर इनकेस अगर इनकेस आपको क्वेश्चन में किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो गूगल नहीं करना ठीक है ना गूगल नहीं करना गूगल कब करना है जब आपके हाथ बिल्कुल खड़े हो जाएंगे कि बस इससे ज्यादा मैं सोच नहीं सकता क्योंकि तो गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा यार ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अपने को कॉपी पेस्ट करना नहीं सीखना अपने को कोड बनाना सीखना है एंड स्टेप बाय स्टेप चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट गेयर पे हूँ फिर जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब सेकेंड या थर्ड गेयर की जरूरत है तो मैं अपने आप आ दूंगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका थर्ड गेयर डल चुका है लेकिन ये है कि प्रैक्टिस आप ही को करनी है प्रैक्टिस वाला पार्ट आपका है कराना मेरा काम है ठीक है जी तो आई थिंक वी शुड क्लोज सेशन आपकी अभी अगली क्लास भी होगी तो किसी को कोई डाउट है before closing this session, और एक काम करना अपना आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो मुझे उसमें ऐड कर देना अपने टीचर्स को बोल देना कि वो मुझे ऐड कर दें सो डैट की अगर कोई भी कॉम्युनिकेशन करनी होगी कुछ भी मेरे को मैसेज आपको सेंड करना होगा तो फिर मैं व्हाट्सएप पे ईजी आपको सेंड कर दूंगा ठीक है तो किसी का कोई क्वेश्चन है आई एम गिविंग यू वन और टू मिनट फॉर क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो प्लीज रेज यूर हैंड इफ एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज ओके सो ओके प्लीज हाँ जी आज प्लीज आस्क नहाई सर गुड आफ्टरनून सर अभी वो जो आप C++ के नोट्स कह रहे थे ना कि मेरे पास हैंडमेड नोट्स हैं वो डिलीवर हाँ। कर दूँ सर अह डियर वो नोट्स हैं लेकिन अभी ना मेरे पास स्कैन नहीं कर पाया मैं मेरा ऑफिस हो गया बंद तो मैं आपको अभी मेरी मेरी फोटो आ रही है ना स्क्रीन पे ये देखो ये सारे नोट्स हैं ठीक है आई शो यू दिस वन इज द एंटायर C++ नोट्स तो ये पूरे इन द C++ के नोट्स हैं तो एक्चुअली मैं इसको स्कैन नहीं कर पाया Uh, जैसे ही ये स्कैन होंगे तो ये पूरी कॉपी है uh, ये देखो अगर आप देखो तो ये इन दफ्त मैंने दिख रहे हैं आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा हाँ जी हाँ सर ये सर आ, तो ये देखो ये सी प्लस प्लस इलेवन फीचर ये सारे ये सारे पूरे नोट्स एस क्योंकि एस की बड़ी डिमांड है मेरे पास बच्चे आते हैं ना तो एस के बारे में बहुत पूछते हैं कि सर हमें एस करना है तो एस टी मैं आपको जरूर करवाऊंगा ये लो ये लास्ट है ये आपको दिख रहा होगा ये प्रोजेक्ट एंड में मैंने लिखा हुआ तो ये पूरे नोट्स हैं

चलो मैं इसको एक बार देख लेता हूं क्योंकि करने सर... पड़ेंगे पहले आपको स्कैन करने पड़ेंगे सर नहीं मेरे पास सी के तो स्कैन ही है ना नहीं वो, वो फिर आप इधर सेंड कर दो ना इधर सेंड हो जाएंगे माय फाइल्स में ऐड अप एक्चुअली ना मुझे हां मुझे पता नहीं है इसके बारे में क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर काम नहीं किया मैं गूगल पे काम करता हूं तो कोई बात नहीं मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा समझ के आपको शेयर कर दूंगा एटलीस्ट आप इन द मीनवाइल आप एक बार देख लोगे हां जी हर्षित जी हां जी आई थिंक यू हैव वन क्वेश्चन हर्षित हाँ जी हर्षित क्वेश्चन है कोई नो सर सर गलती से मैंने अच्छा अच्छा कोई 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 बात 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 नहीं 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 चलो कोशिश कोशिश करना यार करना कि प्रैक्टिस करो क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ एक ही फंडा है कोडिंग को सीखने का प्रैक्टिस मैं जि, मैं जितना मर्जी यहाँ पे चिल्ला लूँ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा ठीक है तो आई होप यू गाइज विल ट्राई बाई डिफिकल्ट असाइनमेंट भी दूंगा लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेसिक्स पे हूँ तो ये इफ आपको आता है अगर पिछले सेशन में कोई भी डाउट है तो थो थोड़ा सा गूगल कर लो ऑपरेटर्स के बारे में और अपना जो भी होता है यार वो क्या बोलते हैं उसको डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा थैक उसके थैक बारे में उसको थोड़ा सा पढ़ लो ठीक है पढ़ने के बाद फिर आपको एक चीजें बहुत थैंक यू थैंक यू एवरी फॉर अटेंडिंग दिस सेशन थैंक यू वी विल मीट टूमारो एट टेन थैंक यू सर थैंक यू सर और भाई लोग सो जावे अब जाना हाय छोटू हाय कैसे हो बढ़िया क्या कर रहे हो पढ़ लिया करो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हो रही हो रही है जाओ फिर निकलो बाय बाय